तो हम वहाँ पे ना एक लाइक like बॉर्डर पे जा रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही है अलग ही अटमोसफेयर था वहाँ पे दिख रहा दूर धुआं आ रहा है और हम जा रहे हैं मैं ऐसे सो रहा हूँ गाड़ी में ठीक है गाड़ी रुकी और वहाँ पे पूरी कोई भी नहीं सिर्फ हमारी गाड़ी और कुछ नहीं और अंदर बंदूक के साथ मेरे साथ आके बैठ जा फ्रंट में बैठा चार लोग पीछे बैठे किसी ने मुझे गला दबा रखा है यहाँ पे सांस नहीं आ रही गया ऑलरेडी बंदूकें सबके हाथ में सारे ख्याल मन में आते हैं बहुत अलग अलग हैरान हो गया रोंगटे खड़े हुए हैं ना और मैं कूदा और आंखों में आंसू हेलो वेलकम टू द चैनल एंड आपको ये लग रहा होगा लाइट सेटअप है एंड मैं आज ऐसा क्यों बैठा हूँ बिकॉज क्या हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट की है ऑल अबाउट पॉडकास्ट तो हम अलग अलग लोगों को बुलाएंगे जो इंस्पिरेशन जिनकी स्टोरीज है जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ तो लाइक इस सीरीज का नाम है क्लिको पॉड्स इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से देखिए और लास्ट में बहुत अच्छे से मुहब्बत बरसाइए सो अपना पहला पॉडकास्ट है एंड लाइक हमें से स्पेशल रहता है कि आप पहले पॉडकास्ट में लाइक किसको इनवाइट करते हो एंड ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और स्पेशल है बिकॉज मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं एक बंदे को बहुत फॉलो करता था दैट इज सेम कॉल्डर जो इंडिया से नहीं है ऑफकोर्स एंड देख के ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट क्यों नहीं हो और यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो सडनली देखा एंड लाइक इट इज़ लाइक कि उनका ही वीडियो तो नहीं है एंड लाइक like, जब देखता हो तो समझ में आया कि ये अपने इंडियन किसी पर्सन का है बहुत अच्छा लगा एंड डैट इज़ लाइक अंकित भाई अंकित भाई वेलकम टू द चैनल थैंक यू ब्रो एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था जब तुमने मुझे इनवाइट किया इनके शुरुआत करेंगे तो किसी अपने क्लोज से शुरुआत <laughs> करेंगे और बताइए कि लाइक जीवन में अभी क्या चल रहा है अभी तो बस हम ट्रेवल कर रहे हैं और फिल्म सुना रहे हैं बैठ के यू नो जब टाइम मिलता है तो घूमने जाते हैं और यही चलता है बस अभी तो फिलहाल बाकी आई थिंक हम मिले कैसे थे वो स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है हाँ लाइक like, uh, जैसे कि मैं बता रहा था कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा एंड uh, उसके लाइक like, उसके बाद लाइक like, मेरे को ट्रिप सर कॉल आता है कि एक ट्रिप करना है और हम लोग क्रिएटर लोगों के साथ कर रहे हैं तो मैंने बोला कि ठीक है कौन कौन है बोले अंकित और ये कौन कौन अंकित <laughs> भाटिया मैंने बोला मेरे को आना ही है और <laughs> उस दिन लाइक उससे एक दिन पहले मैं मैं वेडिंग शूट कर रहा था एंड लाइक मेरे को नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के मेरे को आना ही था एंड लाइक आई वो जाके देखा एंड लाइक like, एक तो विश्वास नहीं होता कि आप इतने टाइम से उस बंदे को फॉलो करते हैं आपके साथ में इस आगे वाली सीट में <laughs> <laughs> और आई थिंक हम बस में तीन या चार लोग ही थे उस टाइम yes. तो लाइक like, uh, फिर लगा कि हाँ 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 और बहुत अच्छी बात ऐसी लगी कि लाइक like, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वन मिलियन या फिर लाइक जो इतना क्रिएटिव बंदा है इतना लाइक टैलेंट बनता है उनके साथ यूजली मुझे ऐसा लगता था कि जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स है बहुत एटीट्यूड रहेगा ये कुछ रहेगा बट वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो इंसान जैसा होता है ना वो, वो चीज़ एम्पलीफाई होती है जैसे आपके Perfect, yeah. जैसे आपके जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं या फिर जैसे आप जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल पहले से आप में एटीट्यूड है तो एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले से आप अच्छे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है और नर्म हो जाओगे आप ऐसे तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि लाइक जब सबको ऑलमोस्ट ये पता कि आपने ड्रॉप किया and, uh, है जॉब एंड कैसे स्टार्ट किया मतलब कैसे आपने स्विच किया क्योंकि जॉब करने से कर रहे थे और उसके बाद आपने ये बोला कि मुझे ये करना है बहुत डिफ़िकल्ट होता है सुनने में अच्छा लगता है बहुत, बहुत डिफिकल्ट होता है तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आपके लाइफ में ये सब कुछ आया तो बेसिकली <coughs> मुझे बहुत पहले से ही शौक था फिल्म्स का मूवीज़ का म्यूज़िक वीडियोज़ का, मुझे वीडियो का। और जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि कैमरा होता है ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं हम <laughs> और हम ख़रीद सकते हैं और हम उसे शूट कर सकते हैं वैसा फ़ोटो एंड वीडियो बना सकते हैं और मैं मैंने भी बाहर के क्रिएटर्स की वीडियोज़ देखी मैंने कहा यार ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ अपन क्यों नहीं कर सकते और मैंने कहा जॉब मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी एंड मेरे पास वीकेंड होता है तो वाई नॉट टू यू नो स्टार्ट समथिंग न्यू तो आई स्टार्ट विद फोटोग्राफी क्योंकि वीडियो के बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं थी तो मैंने सोचा एक आसान काम से स्टार्ट करता था मैंने कैमरा लिया और फिर जब कैमरा लिया तो कुछ आइडिया ही नहीं था एडिटिंग कैसे करते हैं कॉम्पोजिशन ये सब कुछ भी आइडिया नहीं सोचो बिल्कुल स्क्रैच से करना है बट क्या था कि टाइम अनलिमिटेड था अपने पास अपन सिर्फ जॉब कर रहे कोई टेंशन नहीं है यू नो पैसे आ रहे हैं हर महीने सो सबसे अच्छी बात थी पॉजिटिव पॉइंट था मेरे साथ ये तो मैं आई थिंक दो या पंद्रह की बात है तब मैं लाइफ में पहली बार मेरे को लद्दाख जाने का मौका मिला और मैं लद्दाख गया वहाँ पे और पाँच दिन हम लाइक like, मेरे साथ दोस्त थे तो हम शूट मैंने उसको बनाया और पे डाला पहली वीडियो मैंने उसको कम से कम सौ बार देखा हुआ आपने मैंने खुद ने <laughs> और वो ऐसी बेकार सी वीडियो थी। मैं यु यु रो उसका। <laughs> तो मुझे पता चला कि वीडियो में अलग फीलिंग है जो फोटोज में नहीं है तो फिर तब से वहां से मैंने कहा अब मुझे यू नो वीडियो मेकिंग वीडियो मेकिंग सीखनी है वीडियो एडिटिंग सीखनी है और मुझे तब तक बेसिक नॉलेज हो गई थी फ़ोटो एडिटिंग की है you ना know, और फिर मैंने सेम उसमें ही लगता बस कट्स लगाने होते हैं ऑल दैट कलर ग्रेडिंग ये धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके आई थिंक मुझे एक साल लगा हुआ उसके बाद सीखने में और फिर मतलब आपने कहीं से सीखा नहीं है कोई कोर्स वोर्स करके कुछ नहीं नहीं, नहीं सिर्फ मैं पूरा दिन यूट्यूब देखता रहता था लाइक मैं जॉब करता था शाम में आता था रात को यूट्यूब देखता था क्योंकि हमारे पास लाइक यू you नो know, समझ लो दस से पाँच का है उसके बाद पूरा टाइम फ्री है okay. अपन और उसके hmm. बाद वीकेंड है हमारे पास तो मैंने कहा ये साल मुझे पूरा डेडिकेट देना है उसके लिए और मैं क्या करता था जब मैं जो मैं सीखता जाता था वो मैं अप्लाई करता जाता था एडिटिंग में okay. लाइक हाँ वो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और फिर <coughs> मैं शुरू में लाइक पुणे के आसपास ही मैंने कुछ एक्सप्लोर किया वीडियोस बनाई फिर मुझे काफ़ी आइडिया लगा फिर आई थिंक आई थिंक एक कंपनी ने मेरी वीडियोस देख के मुझे लद्दाख के लिए इन्वाइट किया सेकंड टाइम लद्दाख जा रहा हूँ ये स्पॉन्सर ट्रिप फुल तब तक आई थिंक दस पंद्रह हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे यूट्यूब पे फिर जो वो मैं शूट करके आया और वो मैंने जब यूट्यूब पे पोस्ट की जो एडिट करके वो लेवल अलग था जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी समझ आ रहा कि डिफरेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हाँ। था तब तक मुझे पता चल चुका था और आई थिंक धीरे धीरे लाइक आई थिंक मुझे याद है टू में 1000 सब्सक्राइबर्स थे फर्स्ट जैन को और टू आई थिंक मेरे बर्थडे के आसपास नाइन फाइव के आसपास हंड्रेड के हो गए थे ऑलमोस्ट एक साल oh, में होंड्रेड के सब्सक्राइबर्स हो गए थे विद द दैट आई एम क्रिएटिंग एंड 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 मेकिंग मुझे बहुत मजा आ रहा है फिर मैंने कहा नाउ इज द टाइम कि मैं शायद सोच सकता हूँ इसको फ्यूचर में okay. तब तक टू थाउजेंड नाइटी आ चुका था और okay. फिर मैंने अपने घर वालों को बताया मैंने कहा ऐसा ऐसा करके मुझे शायद एक दिन होगा तो मैं mm. अभी नहीं है वो दिन और जॉब करता रहा जो करना कर ऐसे होते ना हर किसी घर वाले तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है जब तो जॉब करते रहते हैं चलता रहेगा और फिर ट्वेंटी ट्वेंटी आ गया और फिर कोविड टाइम आ गया मैंने मन में तो बना लिया था मैंने कहा अभी घर वालों को नहीं बोलता क्योंकि एनीवे कोविड टाइम चल रहा है अभी hmm. पूरा दिन हम घर पे रहने वाले मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता और ऐसे ही पूरा साल निकल गया फिर मुझे 2020 में जब लाइक दुबई टूरिज्म से ऑफ़र आया दुबई टूरिज्म दुबई का वीडियो बनाने के लिए दिस ऑ माई वन वीडियो तामिनी घाट वीडियो आई मेड बिफोर दैट और मानसून सीरीज ऐसा कुछ हमें अच्छा yeah. बना दो वीडियो mm -hmm. और दे इट लाइक मुझे बहुत अच्छा फील हो मुझे याद एक लाइन उन्होंने बोली थी लाइक यूर द फर्स्ट इंडियन काई वी आर इन्वाइटिंग टू क्रिएट वीडियो ऑन दुबई हाँ मुझे <laughs> बहुत अच्छा लगा सुन के <laughs> <laughs> फिर मैं वहाँ जब वहाँ गया फिर आई थिंक लास्ट डे था मेरा स्काई डाइविंग कर रहा था फिर तब मैंने वहीं से ही मेरा कुछ तो अलग फीलिंग आई मुझे मैंने रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया ओके okay, दुबई 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 करने के बाद की दुबाई सही लेटर okay, लिख दिया भाई अपना हो गया अभी ये करेंगे अब मेरे को फीलिंग आ चुकी थी मैंने अब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा जॉब मेरा मन बन चुका था मेरे से मेरे से ऑफिस का काम नहीं हो रहा था पहले मैं ऑफिस का काम अच्छे से करता था okay. पर मेरे से हो ही नहीं रहा लाइक काम समझ ही नहीं आ रहा मेरे को कुछ क्या चल रहा है ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मेरा मन कर रहा है पूरा ट्रेवल की ट्रैवल की वीडियो देख रहा हूँ <laughs> समझ नहीं आ रहा पूरा दिन यही चल रहा है फिर मैंने कहा ओके अब मेरा वक्त आ चुका है एक साल मैंने जो कोविड वाला टाइम था वो निकालना था मैंने निकाल दिया और मैंने एजेंडी लेटर डाला उस दिन जिस दिन मेरा लास्ट डे था आई थिंक मेरा बर्थडे डे नाइनटीन्थ फैब को मेरा एटीथ फैब को मेरा लास्ट डे था ऑफिस में नाइनटीन फैब ट्वेंटी ट्वेंटी वन मैं मतलब तीस साल का हुआ और मैं लाइक आई वॉज कहा कंप्लीट फ्री गाय ऐसे मैंने डिसाइड भी किया था तीस साल से पहले पहले मुझे जॉब छोड़नी है तो उस दिन में तीस साल का वो निकल गया फिर मैं तब से हालांकि जर्नी स्टार्ट हुई है और बहुत कुछ डिफरेंस आ चुका था तब तक लाइक मुझे पता चल चुका था मुझे एक आती ना अंदर से फीलिंग आती कि मैं कर सकता हूँ तभी तभी इंसान को एक स्टेप लेना चाहिए तो मैंने जॉब तभी छोड़ी जब मुझे पूरा हंड्रेड परसेंट विश्वास था कि देर इज नो गोइंग बैक मैं लाइफ में कभी जॉब नहीं करूँगा मैं यही करूँगा मैं इसी चीज़ के लिए बनाऊँ मुझे फील आ चुकी था तो ये ऐसी स्टोरी थी इन शॉर्ट मैंने बताई ओके तो लाइक आपने बोला कि दुबई से आपको लाइक आया था कि मुझे ट्रैवल फिल्म बना के देना तो जब लाइक आई थिंक वो आपको पहला इंटरनेशनल टूरिज्म से पहला हाँ, था तो लाइक कैसे लगा मतलब कि यार कैसे लाइक क्या पिच करना चाहिए या फिर कैसे डील करना चाहिए करना चाहिए तो ऑब्वियसली करना ही चाहिए बट कैसे करना चाहिए क्या माइंड में था कि यार कैसे करेंगे इसको मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि लाइक आऊँगा ना के लाइक बहुत फाट वीडियो बनाऊँगा मैं और Uh, एक हफ़्ते का मेरा ट्रिप था तो सारी आइटनरीज uh, सारी हमसे से उन्होंने एक्टिविटी पूछी कि क्या करना चाहते हो फिर मैंने जितनी भी मेरी कभी <laughs> मेरे को सब करता था मैंने उनको सारी लिस्ट दे दी उन्होंने सब ऐड किया और मेरे मेरे को पता था कि वीडियो बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि सात दिन का एक ही वीडियो बनाना पहले okay. मैं कहीं भी ट्रिप पर जाता था हर दिन का एक वीडियो बनाता था एपिसोड सो मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता था इसमें लाइक ऐसा है कि इतना कुछ है और जस्ट कि वो अच्छा बनेगा फीलिंग आ रही थी एक जब हमने वहाँ की अलग अलग एक्टिविटीज़ तो आई थिंक uh, तब फीलिंग आ गई थी कि बहुत सही बनेगा और जब आके मैंने आई थिंक इसको सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मैंने इसी वीडियो पे किया होगा 20 से 25 दिन दिए थे यू नो म्यूजिक भी मैंने आई थिंक 500 सौ सॉन्ग सुने होंगे फिर उसमें से दो सौ तीन सॉन्ग सेलेक्ट किए होंगे फिर 50 सॉन्ग नैरो डाउन करके तीस सॉन्ग यूज़ किए <laughs> ऐसे करके अब समझ आ रहा है कि लाइक कितना रहता है लाइक पोस्ट प्रोडक्शन में प्री प्रोडक्शन में कितना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो वही तब बना तो फिर बहुत अच्छी फीलिंग आई डालने से पहले ही पता था कि बहुत अच्छी मतलब एक काम अच्छा किया क्या, मतलब क्या जो जिस जिस चीज पे हम वीडियोस बना रहे उसी से पैसे कमा रहे हैं और घूम रहे है मजा नहीं है लाइक ऐसे काम काम ही नहीं लग रहा रात को हम दो बजे भी बैठ के काम करते हैं सेम लाइक यू लाइक तुम भी जाते हो तुम्हें भी ऑब्वियसली लगता है कि लाइक ऐसा लगता है कि अपन को कुछ मजा आ रहा है उसमें पैसा दे रहा हुआ अपन को इट्स काइंड ऑफ थिंग हाँ इससे अच्छी बात क्या हो सकती हाँ, है ऐसा होता है ना लाइक स्कूल में तो अपन पैसे दे रहे हैं और अब स्कूल भी जा रहे हैं <laughs> तो इधर थोड़ा उल्टा है सोच के देखो यार, यार हम हम ही है उस वीडियो में हाँ, और हम ही कोई दे रहा है उस जान जगह जाने की सही 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 और, और मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताओ कि जैसे कोई आपका स्पेशल प्रोजेक्ट रहता है तो आप पहले से कुछ सोच के रखते हो पहले से बहुत सारे रिसोर्स की मेरे को ऐसा बनाना है या फिर बहुत सारे वीडियोज़ देखते हो म्यूजिक सुनते हो या क्या माइंड सेटअप कैसे रहता है सो आई थिंक जब कोई ऐसा वीडियो आता है तो ऑलवेज स्क्रिप्ट से स्टार्ट होती है कि मुझे एक तो विजन चाहिए कि इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करने वाला एक आइडिया आता है मन में उस आइडिया को मैं सबसे पहले नैरो डाउन करता हूँ पूरा स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसके बाद मैं जाता हूँ शूट करने जो ट्रैवल वीडियोस होती है यूजली ट्रैवल वीडियोस को हम कैसे करते हैं कि जगह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आइडिया आ जाता है कि कैसी लोकेशन होंगी बाकी मोस्ट ऑफ़ द शूट वो वहीं उसी टाइम पर होता है ओके और बाद में हमें वहाँ लोकेशन के बारे में पता चलता है जैसे आप नई कंट्री में जाते हो तो पहले से चाहे कितना पढ़ लो इतना नहीं पता चलेगा जब तक आप वहाँ जाओगे फील नहीं करोगे लोगों से नहीं मिलोगे बात नहीं करोगे तो वो वाला प्रोसेस अलग है और जो ब्रांड के लिए अलग वीडियोस बनाई जाती है या फिर स्पेशल कोई प्रोजेक्ट होता है उसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ इस टाइप की वीडियोस के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता दोनों का दोनों का बिल्कुल अलग अलग है लाइक जब भी कोई प्रोडक्ट के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो पूरा लिखता हूँ पहले एक एक लाइन लिखी जाती है बोलने से पहले यूट्यूब वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले लिख चुका हूँ मैं ऐसा कुछ भी ऑन द गो नहीं बोल रहा ओके okay, जैसा अभी बोल रहे वैसे नहीं है नहीं अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ओके okay, मतलब हर चीज का लाइक की ये कैसे इंपैक्ट गिरेगा ये कैसे कैसे शॉर्ट्स लिखूंगा लिखूंगा कहां-कहां लोकेशंस पे हो सकता है लोकेशंस लिख दूंगा और उसका फ्लो कैसा रहेगा वीडियो का यू नो लाइक म्यूजिक किस टाइप का रहेगा सब कुछ लिखना पड़ता है उसके बाद हम जाते हैं शूट करने तो बहुत आसान हो जाता है प्रोसेस पूरा वीडियो बनाने का ओके तो ये समझ कब आई कि यार ये प्रोसेस ये बिकॉज ऐसा सीन जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता ही नहीं होता आपको लगता है कि

ट्रेवल वीडियोस बनाना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ और हाँ। मेरे को आइडिया लग चुका है या फिर मैं कभी कुछ बनाना होता है तो नहीं बहुत सारे इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट मेरे को ऐसा लगता है बट जब कभी ऐसे प्रोडक्ट लिए स्पेशली वीडियो बनानी तो तो, तो पड़ती हाँ। है कि अलग घुमाना पड़ता है कि मैं लाइक वैसा भी बना सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि कुछ तो अलग करूँ इस बार यस अब ताकि खुद को भी अच्छा लगे ऐसा नहीं कि रिपीटेटिव नहीं लगना चाहिए तो वो जब एग्जीक्यूट होता है स्टार्टिंग से एंड का प्रोसेस वो उसमें बहुत मजा आता है एंड देखने में अभी आपकी फैमिली को क्या लगता है लाइक like, अंकित बाट द अंकित बाटिया ये मैं फैमिली का बताता हूँ <laughs> शुरू शुरू में मतलब मुझे बोलते थे क्या कैमरा तो खरीद रखे कैमरा में क्यों इन्वेस्ट करना है वे वेस्ट हो रहे हैं पचास हज़ार रुपये वेस्ट हो गए कैमरा मैन क्या मेरे को मेरी खुशी के लिए करने है तो मैं जॉब कर रहा हूँ मैं पैसे कमा रहा हूँ कुछ कुछ मेरे मौका देखे देखो हाँ शुरू में उस टाइम लाइक मुझे याद है दो दिन चौदह पंद्रह की बात है मेरे पास बाइक भी नहीं थी उस टाइम मैं पुणे में आया था और मुझे कैमरा खरीदना था बाइक तो मैंने कहा पैसे मेरे पास इतने ही कि मैं एक ही चीज़ खरीद सकता हूँ अभी तो फिर पहले मैंने कैमरा खरीदा फिर जब कैमरा खरीदा तो जाऊँ कैसे अब तो तो <laughs> तो फिर मैंने बाद में तो भी नहीं था उस टाइम तो। <laughs> कुछ नहीं था उसके उस टाइम कुछ नहीं हुआ करता था तो बाकी जब मुझे यू you नो know, ये ट्रैवल और वीडियोस कैसे कनेक्ट हुई जब मैं पहली बार ट्रैवल करने गया ना लद्दाख में तब मुझे फीलिंग आई कि भाई ट्रैवल में जो फीलिंग है वो किसी चीज में फीलिंग नहीं है कभी कुछ और भी ट्राई किया गया लाइक जब आप स्टेज में रहते हो तो करते हैं जैसे मैंने जैसे मेरे को तीन शौक़ थे <laughs> प्रकाश डाली अपने शौक पे <laughs> एक तो वीडियोस का बहुत ज़्यादा शौक था दूसरा म्यूज़िक का okay. तीसरा जिम का okay. तो मैंने अब मुझे याद है मैंने जब मैं ऑफिस में डेस्क में काम करता था तो मैंने सामने लिख के रखा हुआ था वीडियो मेकिंग और लाइक जिम एंड देन म्यूज़िक yeah. म्यूज़िक मैं गिटार सीखने जाता था उस टाइम मैंने आई थिंक सिक्स मंथ्स गिटार सीखा होगा फिर जब इतना सीख लिया तो मुझे पता चला कि क्या कहते हैं इसमें मेरा फ्यूचर नहीं है कुछ भी आई <laughs> थिंक <laughs> मुझे छोड़ देना चाहिए मेरी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है कि मैं गाने गा सकूँ या सिर्फ बजा सक बजाने से नहीं होगा कुछ भी और जो वीडियो में फीलिंग है वो इसमें नहीं है लाइक जो खुद ऑन स्क्रीन देखते हो उसकी वैल्यू अलग है पर अभी जब आपने आवाज़ का बोला है तो <laughs> मैं ये बताऊंगा कि लाइक रील्स जब हम देखते हैं ओके तो लाइक आपके जो वॉइस ओवर रहते हैं तो लोग मैं दूर से ही अगर वॉइस ओवर चला तो लोग बोले ये उसी बंदे का है तो अब आज का तो बोले ही मत कि आवाज़ नहीं है बट थोड़ा इसके ये भी बताइए कि लाइक ये लाइक वॉइस ओवर वाला फंडामेंटल कहाँ से आया बिकॉज़ ये लॉकडाउन के नियर बाई आई थिंक हाँ लॉकडाउन लॉकडाउन से आई थिंक हाँ लॉकडाउन के आसपास की बात है अब तो मुझे भी याद नहीं आ रहा <coughs> मुझे इतना याद है कि आई थिंक टिकटॉक बैन होने वाला था <laughs> और उससे एक महीने पहले की कहानी है तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा क्योंकि मैं लाइक अप इंस्टाग्राम पर डालती हूँ यूट्यूब पर लाइक बहुत ऐसा फील होता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं वहाँ पे कोई जानता नहीं है ऐसे ऐसे तो मैं शायद अपन ऐसा कुछ कर सकता हूँ जहाँ मुझे पता नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ बेसिकली तो लाइक मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे कुछ तो वॉइस ओवर इमोशनल या इंस्पिरेशनल ऐसा कुछ करना है बहुत टाइम से पहले से मन था पर बनाया नहीं था कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि डालूंगा यू नो लोग क्या कहेंगे ये सब बट एज टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म था कोई जज नहीं करता था तो ना <laughs> कोई जानता था तो मैंने वहाँ जो पहला डाला ऐसे वीडियो बना के तो मुझे वीडियो बनाने बनाने बनाते वक्त ही बहुत अच्छी फीलिंग आई मैंने कहा यार याई मुझे याई तो बहुत अच्छा लग रहा है फील आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अलग भी लग रहा है पहले मैं सिर्फ ट्रेवल वीडियो बना रहा हूँ ये कुछ अलग है जो ट्रैवल वीडियोज का यूज़ करके मैं उसको इमोशन से कनेक्ट कर फ्यूजन कर दिया उसका रहा हूँ तो जब मैंने टिकटॉक पे डाला तो लाइक इट वेंट वायरल फर्स्ट वीडियो लाइक इट वेंट वायरल और आई <clears> थिंक <throat> इस पे तीन चार मिलियन व्यूज आए और बहुत सारे लोगों ने वॉइस यूज किया आपका टिकटॉक को भी पहला वीडियो था ये नहीं, नहीं टिकटॉक पे ऐसे पहले ट्रेवल uh -huh. के वीडियो डालता था uh -huh. वो कोई चलते नहीं थे था ऐसे. Okay. बट वो जो वीडियो डाला वो बहुत सारे व्यूज़ आए उस पर बहुत सारे लोगों ने वॉइस यूज़ किया स्पेशली लाइक बड़े बड़े क्रिएटर्स जो उस पर होते थे, थे। प्लेटफॉर्म पर फिर मैंने दूसरे दिन डाला दूसरा वाला भी सेम तीसरे दिन डाला तीसरा वाला भी सेम ऐसे ही मैं तो क्रेजी हो गया लाइक हर दिन हर दिन, दिन सारे बैन हो गया फिर एक महीना ऐसे प्रोसेस चला फिर आई थिंक एक एक महीने में सिक्स सेवन हंड्रेड के फॉलोअर्स हुए थे मेरे टिकटॉक पे और बहुत सारे लोगों ने यूज़ कर लिया था वॉइस तब तक

लोग देख रहे हैं पसंद भी कर रहे हैं बहुत सारा और अच्छा चल रहा है तो फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से बनाता गया और आई थिंक मेरे उस टाइम हंड्रेड के थे और एक साल मैंने वीडियोज़ बनाई आई थिंक और एक साल में हंड्रेड के से वन मिलियन हुए सिर्फ एक साल में अब ये मेजरली आपको इस रील्स की वजह से सिर्फ रील्स की वजह से क्योंकि उस टाइम आई थिंक कम लोग रील डाल रहे थे मैं मैंने प्रोसेस बनाया था कि हर दिन मैं दो रील डालूंगा उस टाइम मेरा फिर यूट्यूब पे फोकस कम हो गया था ये तो आपने मेरे को भी बताया कि दो डालो पचास हज़ार हो जाएंगे <laughs> मैंने तुम्हें तो बताई थी ना सो आई थिंक हाँ तो वही से मैंने क्या दो दो डालता हूँ उस टाइम मैं आई थिंक लॉकडाउन चल रहा था कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था तो हम उस टाइम गोवा गए गोवा में एक महीने रह रहे थे तो हम रोज़ शाम में जाते थे शूट करने mm -hmm. और मैं सुबह एक वीडियो डालता शाम में तो लाइक बहुत अच्छी ग्रोथ होती गई होती गई ऐसे ही एक मिलियन हो तब तक मैंने जब तक एक मिलियन नहीं हो जाते तब mm -hmm. तक आई एल कीप मेकिंग वीडियोज़ एवरी डे ओके उसके बाद आई लाइक स्लो डाउन द प्रोसेस बिकॉज उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर फोकस करूँगा फिर से तो ऐसे ही मेरा पूरा जब वन मिलियन हो गए दैन आई शिफ्टड माई फोकस अगेन टू YouTube एंड देन अब मिक्स चलता रहता है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड नाउ एम हैप्पी लाइक like, मैंने सोचा था वो मैंने वाला हैफली दो, है, हाँ एक्चुअली अपनी फील्ड में थोड़ा ट्रैवल वाली फील्ड में थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सब लोग नहीं देखते हैं ट्रैवल hmm, की व्लॉग्स लाइक कॉमेडी हर कोई देखता है यू नो लाइक और भी डेली ब्लॉग्स होते हैं जो लोग कनेक्ट होते होते जाते हैं वो डेली देखते हैं फिर जो ट्रैवल वाला जॉनर है स्पेसिफिकली या तो कोई ट्रैवल कर रहा हो तब देखेगा या फिर वो ट्रैवल की वीडियोज उसको देखना अच्छा लगता हो तभी देखे तो बहुत कम नीच जॉनर है इसलिए इसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो है कंपेरेटिवली ओके okay, जैसे आपने बताया कि आपने कंटिन्यूसली रोज एक वीडियो या फिर दो डाला ओके okay? तो इसका बनाने का प्रोसेस क्या था या एक साथ बना के रखते हो या फिर लाइक कि रोज कुछ नया बिकॉज कैसा है हर बार कुछ नया आपको लिखना है म्यूजिक नया लेना है तो मतलब कैसे किया ये सब तो आई थिंक हम उस टाइम Uh, मैं बैठता था तो दस से बीस ओवर से एक साथ लिख लेता था लाइक स्क्रिप्ट वॉइस लिख ली कि ये ये मुझे बोलना है ऐसे कुछ भी इंस्पिरेशनल कुछ भी तो लाइक तो like, क्या देखते थे या फिर कैसे मतलब एक तो मूवीज से इंस्पायर हो जाता हूँ एक म्यूजिक से या फिर मैं कुछ ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ बुक बुक रीड कर रहा हूँ या फिर लाइक ऑनलाइन कोर्ट्स कुछ पढ़ रहा हूँ थोड़ा ऐर लिख लिया ऐसे तो लाइक बारिश हो रही थी बारिश पे बारिश पे गाना सुना और अपने आप अप गाने से स्ट्राइक हो गया कि इस गाने पे ये अच्छा लिख लिखा जा सकता है तो ऐसे ऐसे करके हर बार कुछ ना कुछ अपने आप जो कहते हैं ना कि पूरा दिन आप सोचते रहो उस चीज़ के बारे में क्योंकि मैं यूट्यूब कर नहीं रहा था पूरा दिन यही सोचता रहता था और तो मैंने कहा अपने आप माइंड में आती थी चीज़ें और फिर हम लिखते थे और तब वो आराम से अच्छा अच्छा बनता था जब पूरा दिन दिमाग चलता अभी क्या है कि अभी मेरे माइंड में और सोच चीज़ चलती यूट्यूब भी ये भी वो भी तो मैं इतना अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा स्क्रिप्ट राइटिंग पे वॉइस ओवर स्पेशल मैं डालता नहीं होता नहीं। तो उस टाइम मैं सिर्फ इस पर करता था अपने आप अप दिमाग में आता था और ऐसे लाइक हर लाइक लोग क्रेजी लोग लो यूज़ कर रहे हैं उसको मेरे को और ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैं और अच्छे से बना रहा हूँ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो हर दिन मैं उसी टाइम ही बनाता था वो लिख के एडिटिंग हर दिन होती थी अगर मैं पहले से एडिट करके रखूँगा तो मेरा मन नहीं करेगा रुकने का लाइक बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता था तो इसलिए मैं उसी दिन बनाता था और उसी टाइम डालता था दस बजे बनाया तो ग्यारह बजे ऑनलाइन है वो okay, शाम को छह बजे बनाया तो सात बजे में डाल दूंगा उसको मैं रुकी नहीं पेशेंस लेवल वो पेशेंस लेवल नहीं है उसमें <laughs> होता है, होता है।, हाँ है। और ये जो आप ऑडियो रिकॉर्ड करते कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है या फिर लाइक जुगाड़ नहीं नहीं जुगाड़ कुछ नहीं है यहाँ पे okay. प्रोफेशनल हर चीज़ खर्चा किया <laughs> <हमारे। laughs> जैसे तुमने खर्चा किया <laughs> वैसे ओके और लाइक लाइक डू हैव प्रॉपर स्टूडियो काइंड ऑफ थिंग या या फिर like या फिर लाइक कैसे कैसे पोस्ट प्रोडक्शन कर दो कि ये करना है वो करना है तो मैंने अपने घर में ही स्टूडियो बनाया एक, एक रूम मेरा पूरा स्टूडियो रूम बोलता हूँ उसको मैं लाइक like, सब कुछ स्टूडियो जैसे अंदर एंटर करोगे तो पूरी स्टूडियो वाली बाइब आएगी आपको तो उसको उसी के अकॉर्डिंग सेटअप किया हुआ है पूरा वहाँ पे सब लाइक ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ हैमराज सो you know, so, अंदर आती वाइब आनी चाहिए एनवायरमेंट में आ जाते हो आप थोड़ी डार्क वाइब में ऐसे लाइट कम डिम उस टाइम बैठो आराम से सोचो तो मज़ा आता है काम करने में फिर जब okay. रूम से बाहर निकले तो घर आ गया <laughs> चंपल <पर> गया किचन विचन है <laughs> बर्तन वर्तन है <laughs> हाँ तो है <laughs> तो इसलिए क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ट्रेवल भी करता रहा था हर yeah. महीने कहीं कही ना कहीं जाता रहा था इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रिएट अस गो आउट ऑफ द हाउस और वहाँ जाके मैं काम करूँ इसको मुझे ऐसे लगता है कि घर में ही सब कुछ सेटअप कर लिया ताकि मैं घर में अगर दस पंद्रह दिन रुक रहा हूँ तो घर में बैठ के काम कर लिया फिर बाकी तो मैं बाहर ट्रैवल करने ही वाला हूँ बट कभी ऐसे आलस नहीं आता कि नहीं यार घर में क्यों मैंने भी लाइक घर में बैठ के काम किया तो ऐसा होता है कि एक दिन सोफे पर बैठे तो आधा घंटा एक घंटा गाय तो तो कभी ऐसा होता होता है है कि नहीं ये बट आई थिंक कुछ कुछ टाइम में अपने आप स्ट्राइक होता है कि गलत कर रहा हूँ अपने साथ <laughs> फिर मैं वापस स्टूडियो रूम में आता हूँ काम करता हूँ बट हाँ तुम्हारी बात सच है अगर एक स्टूडियो वाली वाइब होगी जगह होगी तो और ज्यादा शायद कॉन्सेंट्रेट होकर इंसान काम कर सकते बट आई थिंक आई कैन मैं अभी मैनेज कर पा रहा हूँ हाँ जिस दिन नहीं हो पाएगा जब लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा है देन आई मे गो रहे ओके okay. मैं वापस पीछे चलूंगा ओके okay, मुझे ये ये समझना है कि जब आपने स्टार्ट किया तो कभी माइंड में था कि ये ब्रांड्स मेरे पास आएगी ये मुझे वहाँ पहुँचना जहाँ अभी आप हो या फिर इससे भी आगे जाना क्योंकि ऐसा आप जब जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में कुछ और ड्रीम्स रहते हैं जब आप घुसते हो समझते हो इंडस्ट्री के बारे में अपने काम के बारे में तो आपके ड्रीम्स थोड़े और चेंज हो जाते हैं अपग्रेड हो जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे सो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को तो टू बी ऑनस्ट कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा लाइक मुझे था कि मैं जॉब करता रहूँगा जॉब के साथ साथ वीडियोज बनाऊँ और मजा आएगा मुझे mm -hmm. वीकेंड पर मैं काम करूँगा एंड देन मेरा इतना ही गोल था सिर्फ लाइफ में कि मैं लाइक like, बचपन से मैं इंजीनियर ही बनना चाहता था तो मैं इंजीनियर बन गया था बट एक जो ये <laughs> 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 तो जो मेरा मूवी वाला सपना था ना वो यहाँ से पूरा हो रहा था धीरे धीरे कि अब मुझे मूवीज़ में जाने की जरूरत नहीं है नाउ आई कैन क्रिएट माय ओन मूवीज़ आई कैन मैं खुद डायरेक्टर हूँ खुद ही एक्टर हूँ खुद ही एडिटर हूँ स्क्रिप्ट राइटर हूँ तो सब कुछ सीख लिया धीरे धीरे इस प्रोसेस में तो उसकी फीलिंग अलग थी कि मैं आई ओन दिस थिंग यू नो लाइक आई एम इन्वेस्टिंग एंड मुझे पता नहीं कितना रिटर्न मिलेगा बट मुझे जो फीलिंग आ रही है वो बहुत अलग अच्छा है। लग रहा है तो करना चाहिए पूरा करना चाहिए Let's तो मैं लाइक like, ऑफिस में काम उसमें ऑफ़िस में बहुत मज़ा आता था क्योंकि मैं इंजीनियर बनना चाहता था तो मुझे धीरे धीरे आइडिया नहीं लग रहा कि काम वो करना चाहिए जो पसंद हो आपको ओके okay. तो मुझे ये काम पसंद था तो मैं जब करने लगा तो मुझे जब यू you नो know, करते करते पता चला कि ओके अंकित लाइफ में वो चीज़ें करनी है आपको जिसमें आपको मज़ा आ रहा है और जो आपको पसंद है ताकि आप कुछ से कोई कुछ पूछे या फिर कुछ भी हो आपको नॉलेज हो उस चीज़ की mm -hmm. तभी नॉलेज तभी आएगी जब आपको वो चीज़ पसंद है तो मेरे को लगता है कि जॉब मुझे इतनी पसंद नहीं थी कि मुझे उसकी इतनी नॉलेज हो पाती एक लेवल तक आई मेंटेन मेनटेन बट देन आफ्टर दिस वाली चीज़ आई एम आई एम रियली लकी कि यू you नो know, मैं ये मेरा स्विच <laughs> हुआ वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करता अभी <laughs> अगर आप ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग नहीं करते तो उस कंपनी या फिर किसी और, और स्विच करता कहीं ना कोई कुछ ना कुछ like करता कोई की ऑफिस जॉब सुबह से शाम तक परसेंट हाँ यही करता बट अभी बहुत लकी हूँ कि ये लाइफ मिली मुझे नहीं पता यू नो कि मैं ग्रोथ कैसे करता उस फील्ड में <laughs> मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि एक लेवल एक टाइम के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें और क्या करूँ मतलब मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है और लाइक जब आपने ड्रॉप किया जैसे कि अगर काफ़ी लोग ऐसे रहता है कि अगर मैंने ड्रॉप करूँ तो बैकअप होना जरूरी है फाइनेंसली पैसा होना जरूरी है अगर मैंने जो जो जोस्थ उसमें कर लिया फिर क्या दो महीने बाद कुछ है नहीं तो उस चीज़ को आपने कैसे टैगल किया कि आई थिंक कुछ लोग होते हैं जो बहुत वो होते हैं

बट कई लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ छोड़ के नया स्टार्ट करते हैं वो हर एक किसी का मैं नहीं कर सकता था कभी तो कुछ मेरे जैसे लोग होंगे जिनको हमेशा कुछ ना कुछ एक बैकअप यू नो स्टार्टिंग में चाहिए रहे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए आपको okay. कुछ ताकि आपके माइंड पे लोड ना आए कई लोग लोड ले, ले लेते हैं माइंड पे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसे से या मैं कैसे भी करके रह सकता बट मुझे फर्क पड़ता था प्रैक्टिकली तो हाँ प्रैक्टिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक आपने इतने साल बचपन से पढ़ाई की है आपने इंजीनियरिंग की है और और फिर एकदम से छोड़ के नई चीज़ स्टार्ट कर रही है जिसको पता भी नहीं फ्यूचर क्या होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट अगर आपको कुछ और नहीं आ रहा और यही चीज़ समझ में आ रही है तो आप कर सकते हो बट मेरे को था कि मेरे को इंजीनियरिंग भी समझ में आ रही है मैं वो उसमें भी जॉब कर पा रहा हूँ तो मैं इतना वो नहीं था अगर मुझे कुछ समझ ही नहीं आता सोचो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करते करते मुझे कुछ समझ तो मैं शायद हो सकता था कि उसी टाइम स्विच कर लेता कि भाई मेरे से नहीं हो रहा मेरे को तो कैमरा में मजा आ रहा है बट हु. मेरे को था कि यार मुझे मुझे दोनों हो रहा है तो मैं दोनों करूंगा जब तक कर पाऊंगा ओके okay, तो लाइक वो ही है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम या फिर आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए माइंड बिल्कुल फ्री था तो लाइक पैसा कितना है अभी भी भी और उस टाइम पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना कुछ चलेगा नहीं लोग बोलते हैं कि पैसा मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना कि यार पैसा सब पैसा सब 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 कुछ कुछ नहीं है सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है बट पैसा बहुत कुछ है मतलब पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके कॉन्फिडेंस रहता है जीवन में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल रहता है मेरे अंदर भी वही कॉन्फिडेंस है क्योंकि आई थिंक जब जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी और जब मैं आ जा दस साल पुराने जाते हैं तो मैं अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखता हूँ अपने अंदर खुद के अंदर एक सेल्फ ग्रोथ है वो तभी आई है जब एक सिक्योरिटी है मन में मतलब मुझे अभी ऐसे डर नहीं लगता कि व्हाट इफ़ कल यूट्यूब बंद हो गया इंस्टाग्राम बंद हो गया तो क्या होगा मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने स्किल डेवलप की है

मैं अगर आपके वीडियोस देखता हूँ ओके okay, जो लाइक like, uh, काफ़ी लोग देखते हैं ओके एंड दे वांट टू बिकम लाइक यू ओके तो उनके लिए आप क्या चीज़ बोलोगे कि लाइक क्या चीजें नहीं करनी चाहिए रात दिन की करनी चाहिए कि अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो किसी आप भी किसी को देखते हो मुझे ऐसा करना चाहिए तो क्या चीज़ लाइक कि मैं आपको कॉपी करूंगा तो सेम हो जाएगा आप जैसे इक्विपमेंट होगा तो सेम हो जाएगा आपके लर्ट्स लिए और मैं उसी चीज को हर जगह डालता हूँ तो सेम हो जाएगा मुझे उस कुछ लेके उस पर काम करना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई थिंक शुरू में आप जितने लोगों का कॉन्टेंट देखो चाहे वैसा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू आर लर्निंग एवरी डे आर ग्रैबिंग फ्रॉम अदर पीपल

मेरे केस भी ऑब्वियसली अगर मैं घर वालों को बोलता कि मुझे कैमरा दिला दो ये सब करना है मुझे मैं hmm. कुछ नहीं कर रहा इंजीनियरिंग मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा मैं कुछ और कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल होता है कन्वेंस करना मेरे केस में क्या था कि मैं जॉब कर रहा था मेरे हाथ में पैसे हैं और okay. मैं खुद पैसे कमा रहा हूँ तो मैं खुद चीज़ें खरीद सकता हूँ बस मुझे इतना कन्विंस करना था कि मैं ये खर्च कर रहा हूँ अपने ऊपर राइट <laughs> hmm. <laughs> right? तो मुझे ये कुछ और नहीं करना है मैं यू नो लाइक आलतू फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ सो उस चीज़ में इट वॉज वेरी इजी टू कन्विंस प्लस आई एम नॉट लिविंग माई जॉब जो लोग ट्वेल्थ के बाद बोलते हैं कि मुझे वो करना है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कन्विंस कन्विस्स पेरेंट्स कुछ कुछ लोग समझ जाते हैं पेरेंट्स बट आई थिंक अपनी इंडियन यू नो फैमिली है ऐसी कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या फिर कुछ तो पढ़ाई करके जॉब करनी है आपको पहले okay. वो बुरा नहीं सोच रहे बस ah. उनको उनको पता है उन्होंने वो चीज़ ही नहीं देखी अपनी पूरी लाइफ में वो चीज़ ही नहीं देखी फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो काम कर रहे हैं लट से कोई दस साल बाद कोई नई चीज़ आती है और हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं क्या है तो हम भी घबरा जाएंगे अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं यार ये मत करो तुम्हें तुम्हें जो करना चाहिए जो ट्रेडिशनल है वही करना चाहिए इट्स इट्स ऑब्वियस वो भी सही है और आई थिंक जो बच्चा सोच रहा है वो भी अपनी जगह कई हद तक सही है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो कर लेगा तभी वो बोल पा रहा हो अपने घर पर तो ऐसी चीज़ में आई डोंट नो क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से तो ऑलवेज यू शुड हैव सम मनी टू स्टार्ट विद यू नो पहले लाइक like, कुछ तो काम करो आपकी कुछ पैसे कमाओ और धीरे धीरे सोचो कि कैसे करना है आगे क्या हो सकता है आगे आपकी फील्ड में तो अंकित बातें अभी सक्सेसफुल है या फिर उनके माइंड में और भी है कि मुझे वहां पहुंचना डर नहीं, then you are हाँ, okay. बस. नहीं है, पर है कि स, इतना हाँ, चाहिए, उतना चाहिए वो नहीं है बस बट okay. खुश होने चाहिए आप यू नो आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होनी चाहिए आप आज के मोमेंट में खुश होने चाहिए एंड देव इनफ मनी की अंदर से सिक्योरिटी हो माइंड में ठीक है इट्स गुड हर किसी का हर किसी का मनी का अलग होता है किसी को सौ करोड़ चाहिए किसी को पसंद <laughs> करोड़ चाहिए किसी को हज़ार करोड़ चाहिए <laughs> तो ऐसा कुछ नहीं है पर्सन 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 टू टू कम्प्लीटली है ना हर किसी गोल mm -hmm. अलग है बट ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आप सब कुछ mm -hmm. हो सेटिस्फाइड हो कि तो आप काम करना बंद कर दोगे आप फ्यूचर के बारे में सोचना mm -hmm. बंद कर दोगे यू ऑलवेज़ थिंक अबाउट कि अब मैं और आगे क्या करूँ जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उसके mm -hmm. साथ साथ और क्या कर सकते हैं बट देन एट द एंड ऑफ द डे वैन यू स्लीप यू फील गुड कि दैन जो आप काम कर रहे हो उसमें आप पे आते कि आपको अपना करियर या काम चूज करना होता है ओके okay, तो उस टाइम में आ, सिर्फ वही चीज नहीं होती तो मैं, मैं फोटोग्राफर हूँ तो मेरे दोस्त वैसे हो जाएंगे मेरी थॉट प्रोसेस वैसे हो जाएगी मेरी लाइफ स्टाइल वैसे हो जाएगी हंड्रेड क्योंकि आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट करते हो जो आपके जैसे सोचते हैं हमेशा स्कूल में जैसे हम सोचते हैं वैसा हमारा सर्कल बनता है कॉलेज में भी वैसा ही सर्कल बनता है जैसे हमारा, हम सोचते हैं ना वैसे वैसे बनते जाते हैं बट जब आप लाइक अब मैं अब मैं इस वाली फील्ड में आया हूँ वीडियोज बनाता हूँ मेरे वही दोस्त हैं अब मेरे वही दोस्त हैं जो सेम uh, तरीके से सोचते जो ट्रैवल को जिसका ट्रैवल में इंटरेस्ट है जो जिनका वीडियो में इंटरेस्ट है मैं उन्हीं से ज्यादा बातें करता हूँ क्योंकि मजा उन्हीं से ज्यादा है बात करने हाँ। हैं। आप कर सकते हैं मैं कनेक्ट करता हूँ तो अभी लाइक like, जो मेरे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड है उनसे कम बात होती है कम्पेरेटिवली जो अभी नए इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स है जो हैं। अलग टाइप के हाँ जो मैं कनेक्ट ज्यादा फीलिंग ज़्यादा है वहाँ पे जिससे आप जिससे आप उस टाइम उस मोमेंट में ज्यादा फील करते हो उन्हीं लोगों से बात करते हो राइट जब तक फील आती है तब तक हम बात करते हैं और फीलिंग कैसे आती है कॉमन चीजों से ज्यादा फीलिंग आती है आपके दोस्त उसी टाइप के बन जाते हैं उसका अलग ही मजा है उसका अलग बहुत अच्छा <laughs> लगता है जब अपने टाइप की फील्ड के लोगों के साथ जाते हो ट्रैवल uh, करने तो आपका माइंड एक और एक ग्यारह होता है एकदम तो डबल काम करता आ, है, है। हाँ। किसी भी जगह पर जा रहे हो इंजॉय करते हो आप और, कुछ बोलते हो तो उसको नहीं इसको ऐसा कर सकते हो हाँ। समझ थीज़ थीज़ आएगा अब किसी को हाइक करना अच्छा लगता है लेट्स हाँ। से मेरे को अच्छा लगता है और मेरे दोस्त को जो स्कूल का फ्रेंड है उसको अच्छा नहीं लगता हम दोनों साथ में जाएंगे ना हमको मजा नहीं आएगा वो कहे क्यों आया हो क्या देख रहे देखने मैं घर पर सोना चाहता हूँ पर यही मेरा कोई अभी जिसको जिसको वीडियोज बनाना अच्छा लगता है जिसको हाइक करना अच्छा लगता है वो मेरे साथ जाएगा तो हम डबल एक्साइटेड होंगे भाई ये ये भी भी करेंगे करेंगे तो मैं उसके साथ ज्यादा कनेक्ट करूंगा अगली बार अगले उसके साथ ही जाऊँगा ना सही है सही सही सो so, अंकित भाई थोड़ा अपना सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताओ देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो सबसे पहली जो इनकम आई थी वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन जो सबसे पहली इनकम आई थी वो यूट्यूब से आई थी एड रेवेन्यू से वहाँ से मुझे पता चला कि ओके दैट्स हाउ यू मेक मनी हुँ. फिर धीरे धीरे मैंने कलर ग्रेडिंग करता था तो मैंने अपने प्री बनाए तो वो मैंने सेल करना स्टार्ट किया तो सेकेंड इनकम वहाँ से बनी फिर तीसरी इनकम जब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ गए थे तो ब्रांड वहाँ पे भी आने शुरू हो गई और तो तीसरी इनकम वहाँ से ब्रांड कोलेब्रेस यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बहुत तीसरी इनकम हो गई एंड फोर्थ कोर्सेस कोर्स बना सकते हो आप जो आपके मास्टर क्लासेस है हाँ मास्टर क्लास है वो वो होते हैं और और हाँ और आप लाइक कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो so आप बाटक कर सकते हो यू बेसिकली गेटिंग फ्री सर्विस लाइक योर ट्रैवल इज़ स्पॉन्सर्ड एंड योर इन रिटर्न यूर लाइक गिविंग सर्विस लाइक वीडियो जैसे मेरे mm -hmm. को लदाख का कोलाब्रेशन आया था तो मेरे को पूरा ट्रिप फ्री था इट्स लाइक like मेरे पैसे तो बच गए ना कम से okay. कम पचास हज़ार रुपये बच गए मेरे और मैं इन इन रिटर्न मैं वीडियो बना रहा तो लाइक हाफ ऑफ द लाइफ इज सॉर्टेड एंड उसके अलावा आई uh, थिंक कोई प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हो तो प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा आपको अगर आप चाहते हो तो ब्रांड को रीच आउट कर सकते हो इन केस सो ऐसे में पैसे बचा रहे हो इट्स लाइक यू आर मेकिंग मनी ना सेविंग मनी मेकिंग मनी की बात है सो so, ये सब सोर्सेज है अभी के लिए ओके okay, तो काफी बार लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा पैसा आता है ओके okay, तो उस चीज पर क्या है लाइक like, उतना आता है या फिर सिर्फ हवा कर रखी है आता है सिर्फ उन्हीं लोगों को आता है जो बहुत ज्यादा वीडियो डालते हैं लाइक like, डेली व्लॉग करते हैं या फिर okay, जिनकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं हमारे वाले केस में जैसे हम ट्रैवल की वीडियोस बनाते हैं और कभी कभी डालते हैं इट्स नॉट इजी टू मेक यू नो लाइक पूरी फिल्म टाइप वीडियोस आप डेली डाल सको सो so, वो सोर्स तो रेवेन्यू है ही नहीं इट्स लाइक सबसे लो इनकम मैं कहूँगा यूट्यूब एड रेवेन्यू की है okay. सबसे लो hmm. हमारे जैसे लोगों के लिए बट कई लोगों के लिए मेन सोर्स ऑफ अर्निंग यही है देर अर्निंग यू नो तीस तीस चालीस लाख पर मंथ जस्ट फ्रॉम यूट्यूब बट वो डेली ब्लॉक कर रहे हैं उनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो टोटली डिपेंड्स वट काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू आर क्रिएटिंग ओके सो जितनी ज़्यादा वीडियोज जितने ज्यादा व्यूज, लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि इंडिया में जनरली वन मिलियन व्यूज़ पे यू अर्न अराउंड थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ ओके एक थर्टी फाइव टू फिफ्टी के आसपास एक मिलियन व्यूज़ पे तो किसी का भी चेक करना हो सोशल मीडिया पर जाओ वन मिलियन व्यूज़ चेक करो किसी भी क्रिएटर के देखो लास्ट के थर्टी डेज़ में कितने कितने व्यूज़ आए हैं उसके हिसाब से अराउंड यू कैन फिगर आउट कि इस इसको इस मंथ में कितने पैसे मिले होंगे जनरल okay. आइडिया और जब लोग स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में रहता है कि यूट्यूब चालू करते हैं पैसा तो कमाए लेंगे तो उन लोगों के लिए क्या है वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पैसे का सोच के कर रहे हो ना तो आप ऐसी चीज़ें करोगे जो आपको पसंद नहीं है बहुत बार ओके okay. और वहाँ आप धीरे धीरे द्धी डाउन चले जाऊंगे फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे

यार इट्स इजी कुछ नहीं करना है यू नो दो तीन घंटे मैं पूरा दिन मैं जो जो कर रहा हूँ वो दिखाऊंगा और, और मेरे को और काफ़ी ऑडियंस भी कनेक्ट हो गई सब भी मैं बन रहा है बट पंद्रह बीस दिन बाद क्या हुआ मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा मैंने कहा नहीं मुझे अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी नहीं मुझे okay. हर दिन नहीं दिखाना मैं क्या कर रहा हूँ आई वॉन्ट लाइक मेरे को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए बट जब आप डेली व्लॉग बनाते हैं जितना ज़्यादा आप अपने आपको एक्सपोज करोगे जितनी आप पर्सनल लाइफ दिखाओगे उतने ज्यादा व्यूज़ आएंगे ओके okay. तो वो मुझे ओपन बुक आई इट्स लाइक ओपन बुक एंड जितनी ज्यादा प्राइवेसी एक्सपोज करोगे उतनी ज़्यादा व्लॉग चलेगा तो वो मेरे को नहीं करना था आई आईन मेरे को प्रेशर नहीं चाहिए हेड पे जब मुझे प्रेशर आना शुरू होता है तो मैं काम नहीं कर सकता तो जब मैं फिल्म्स बनाता हूँ तो मेरे को कोई प्रेशर नहीं होता मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है जब मेरा मन करेगा मैं तब बनाऊंगा और तब डालूंगा इस केस में देर इज़ नो लाइक यू हैव टू पुट इट एट द एंड ऑफ द डे व्लॉग ना

वो मन से नहीं कर रहे हैं अगर कोई मन से जॉब कर रहा है ना तो जॉब भी अच्छी होती है जो मुझे नहीं करना है, जब नहीं। भी करना है मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ ठीक है आपको समझ आना चाहिए सही वक्त चीजें छोड़नी आनी चाहिए बिल्कुल वो तभी आएंगे जब आप एक्चुअली में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज पे जो आपको करने में अच्छा लगता है ना लाइक like कोई भी क्रिएटर हो गए उतने नंबर्स नहीं है ठीक है तो उनको भी लाइक like, कॉलेब uh, या फिर लाइक ब्रांड्स मिल सकती है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो फ्री में इट विद डू इट एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा दूसरा आपका एक्सपोजर मिलेगा आपका नाम जाएगा उस ब्रांड के पास अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो ब्रांड अप्रोच अप्रोच आप कर, कर, कर लिए। लिए। जैसे मैंने लाइक like, मैंने uh, एक ब्रांड के लिए काम किया था फ्री में काम किया था क्योंकि मुझे वो उसके प्रोडक्ट अच्छे लगते थे और मैंने वो वीडियोज़ बनाई लाइक अच्छी बनी एक बार फ्री में बनाया दूसरी बार फ्री में आई तीसरी बार उन्होंने मुझे खुद पे किया कि वी वॉन्ट टू पे यू तो तब मुझे पता है कौन सी सीन <laughs> चलो कोई नहीं <laughs> तो और अब गुड सो <laughs> लाइक so, like जब भी मैं प्रोडक्ट की वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा है कि आपको मन में पहले दिन से आप सोच के रखोगे कि यू करो पैसे के बारे में तो नहीं बट आप अच्छा कॉन्टेंट बनाओ उसके बाद एक्सपेक्ट करो Honesty किसी और के सामने हाँ।, हाँ कोई लिमिट नहीं है ना आप बनाते जाओ अच्छा कॉन्टेंट अपने आप पैसे आएंगे आप अच्छा कम करते रहो उसके बाद फल अपने आप मिलेगा मोटा फल बहुत अच्छा मिल सकता है यही तो सोच सोच की बात है सही है सही और अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो लाइक इतना ट्रैवल किया आपने ओके तो ऐसी कोई लोकेशन या फिर को, कोई प्लेस बताइए कंट्री भी हो सकता है कि आपको लगता है कि एक बार तो एज ए हुमेन बिंग जाना चाहिए आई थिंक मैं बहुत सारी कंट्रीज गया हूँ बहुत सारी इंडिया में भी लोकेशंस गया हूँ बट एक ऐसी जगह है जहाँ जाके मुझे फ़ील हुआ एक ऐसी फीलिंग आई कि मैं यहाँ अपनी फैमिली को लेके जाऊँगा ओके okay. और मैं जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको बोलूँगा कि तू यहाँ जा एक बार तो जाके आ एक बार जाके वो है री आइलैंड Okay. वो है मॉरीशस के पास एक आइलैंड है mm -hmm. तो मैंने बस सुना था उस आइलैंड के बारे में तो लास्ट ईयर जब मैं अफ्रीका गया था आ, बहुत लंबी जर्नी थी वो हमारी वो लास्ट कंट्री थी और हम इसे लाइक जब हम वहाँ गए ना उस आइलैंड पे तो पता चला वहाँ सब कुछ है जो एक जो कि इंसान को चाहिए फॉर एग्जांपल लाइक वहाँ पे वाटरफॉल्स है वहाँ पे हाइक्स है वहाँ पे वहाँ पे रोड्स ब्यूटीफुल है लोग अच्छे हैं और एक हंड्रेड वन फिफ्टी किलोमीटर के आइलैंड पे सब कुछ है हेलीकॉप्टर राइड है वोल्केनो है एंड समर uh, और विंटर एक साथ है लाइक बीच पर जाओगे तो समर वाली फीलिंग आएगी माउंटेंस पर ऊपर टॉप पर जाओगे जस्ट हा जस्ट आई थिंक एक घंटा ड्राइव करके जाओगे तो आपको वन डिग्री हाँ जीरो डिग्री वन डिग्री लगेगा मॉर्निंग में तो मुझे वो कंट्री जैसे हमने हमारी कंट्री का वो प्लान नहीं था कि हम क्या करेंगे वहाँ जाके हम एयरपोर्ट से उतरे हमने कार ली एयरपोर्ट मतलब हम अफ्रीका में पाँच कंट्री कर चुके हैं और ये फिफ्थ सॉरी फिफ्थ कंट्री थी और अब हम इतना वो हो चुके थे ट्रैवल से लाइक इतनी फीलिंग आ चुकी थी हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था आइटनरी की हमें जरूरत नहीं है नहीं। हमें कोई बुकिंग की जरूरत नहीं हम देखेंगे, go, हम देखेंगे देखेंगे ऑन द गो इतना कॉन्फिडेंस हाँ। हाँ। आ आगे कि मुझे कहीं भी छोड़ दो दुनिया में मैं कहीं हाँ। भी घूम सकता हूँ तो वो जब मैं हम लास्ट कंट्री थी हमारी हम एयरपोर्ट से उतरे हमने कार ली एयरपोर्ट से ही हम निकल पड़े और रास्ते में चलते चलते हमने एक लोकेशन बुक कर लिया एक लोकेशन पहुंचे वहाँ पे पता चला अरे ये तो जगह ही नहीं है फिर हमें फिर हमने वहाँ से दूसरी लोकेशन बुक किया वहाँ पहुंचे वहाँ रुके पाँच दिन छः दिन आई थिंक और वहीं से हमने रात को पढ़ा कि कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं एक एक दिन में घूम गुम, घूमते गए छः दिन मस्त घूमे गाड़ी में खुद की ड्राइव करते हुए और ब्यूटीफुल रोड्स थे वहाँ पे कहीं भी रेड लाइट नहीं है एयरपोर्ट के अलावा सोचो हर जगह वो बनाया हुआ है उन्होंने लाइक आ, बिना आ, कहते हैं बिना रेड लाइट के आप ओके सिग्नल ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक कुछ वहाँ बहुत अमेजिंग था और हर थोड़ी थोड़ी जगह पे लाइक पेट्रोल पंप्स है और वहाँ पे खाने पीने की जगह बनी हुई है ऐसे लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके वाई वाई वहाँ पे और जब मैं आई थिंक लास्ट डे हेलीकॉप्टर राइड कर रहा था तब मुझे फीलिंग आया कि यार ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे मुझे सब मिल गया जो मुझे चाहिए था मैं यहाँ पे एक दिन फैमिली को ज़रूर लेके के आऊँगा जब मैं वापस आ रहा था बस मेरे मन में ये खुशी थी कि वाह क्या जगह है इससे ब्यूटीफुल इससे सुंदर लाइक हमें इंडिया में फॉर एग्जांपल मुझे लद्दाख जैसे पार्ट चाहिए तो मुझे फ्लाइट लेके लद्दाख जाना पड़ेगा ओके मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल हाँ मुझे यहाँ से बीच चाहिए तो मुझे गोवा जाना पड़ेगा यासे, यासे। मुझे यहाँ पे लाइक ग्रीनरी हल्के वाले माउंटेन्स चाहिए तो या तो महाराष्ट्र में रहना पड़ेगा केरला जाना पड़ेगा और हर जगह के लिए अलग अलग यू नो कितनी दूर दूर जाना डिस्टेंस है वन फिफ्टी किलोमीटर्स में यू गेट एवरीथिंग उसके अलावा मुझे कोई और ऐसी जगह नहीं लगे कि मैं यहाँ अपनी फैमिली को लेकर जाना था मैं सबको लेके जाना हूँ बट उस जगह में कुछ अलग ही बात थी यार ओके और लाइक कभी इस लाइक इस फील्ड में आने इंडस्ट्री में आने की वजह से आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेवल हुआ या फिर आपने पहले भी कर दिया तो मेरी पहली कंट्री थी थाईलैंड तो मुझे लाइक like, कोलैबोरेशन आया था वो एक कंपनी के साथ हम आई थिंक दस बारह क्रिएटर थे और हमें वहाँ चार पाँच दिन के लिए घूमना था तो मुझे आधी चीज़ें सॉर्टेड थी कि मुझे कुछ बुकिंग नहीं करनी है एवरी थिंग इज़ सॉटेड बाय द ब्रांड उसके बाद हमने चार पाँच दिन के लिए खुद से एक्सटेंड किया ओके तो हाँ ट्रिप होने के बाद Uh, तो हमने वो खुद से एक्सप्लोर किया तो दो जो हमने चार पाँच दिन ब्रांड के साथ किया और जो चार पाँच दिन खुद से किया दोनों में वास्ट डिफरेंस था दोनों में अलग ही मज़ा आया वहाँ पर okay. भी अलग मज़ा आया वहाँ पे सब कंफर्ट फील हुआ यहाँ पे हमने सबसे खुद की खुद किया तो मुझे लगा मैं मैंने एक्चुअली मैं ग्रो किया लाइफ में जैसे मैंने तुम्हें बताया ना अफ्रीका में लास्ट कंट्री में आते आते हम तो मुझे वो ग्रोथ वाली फीलिंग तब आती है जब मैं सब कुछ करते हैं करता हूँ जब मैं सब खुद खुद से करते हैं शुरू में डिफिकल्ट लगता है पर जैसे मैं अभी हांगकांग भी हो गया एक हफ्ता हम हांगकांग में रहे ब्रांड के साथ टूरिज्म बोर्ड के साथ यानी एक हफ्ता हमने खुद से एक्सप्लोर किया तो जब हम जस्ट हम टूरिज्म बोर्ड को बाय कर रहे थे तो अगले दिन बहुत ऐसे अलग वाली फीलिंग आई यार हम खुद से कैसे बुकिंग करेंगे तो? <laughs> क्योंकि मैं भूल चुका हूँ वो लास्ट ईयर वाली <laughs> बात अफ्रीका वाली बट एक ही दिन में सब नॉर्मल हो गया अपने आप <laughs> और अलग मज़ा आया खुद से एक्सप्लोर करने में तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ग्रो करना चाहते हो लाइफ में तो सब कुछ खुद से करो और एक बार तो ऐसा ट्राई करो कि नई कंट्री में जाओ कुछ भी बुकिंग मत करो वहीं जाके सब कुछ करो और जो वो माइंड आपका खुलेगा ना वो वो अलग ही होगा और लोगों से बात करोगे ये पूछोगे क्या जगह जाना है कुछ भी प्लान करके मत जाओ अनप्लैंड एक अनप्लान okay. ट्रिप करो लाइफ हाँ। में और कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिला जहाँ वियर्ड लोग मिले हो, वीडियो वियर्ड सिचुएशन हुई है हाँ हंड्रेड परसेंट जगह भी वियर्ड हो सकती है यार ये ये क्या सीन है यार डर लगा हो कुछ भी हो सकता वियर मुझे आई थिंक अफ्रीका में ऐसी फीलिंग आई थी हम अफ्रीका में थे और हम इथोपिया कंट्री में थे तो हम वहाँ पे ना एक लाइक like बॉर्डर पे जा रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही है आपस में लोकल्स की और हम जा रहे हैं मैं सो रहा हूँ गाड़ी में ठीक है और गाड़ी का पता नहीं गर्मी इतनी थी पचास डिग्री हो रखा था मतलब पैंतालीस पचास डिग्री और मैंने शीशा नीचे करा हुआ है और मैं सो रहा हूँ और अचानक से गाड़ी रुकती है और एक वो गाड़ी का वो खुलता है और अंदर बंदूक के साथ मेरे साथ आके बैठ जाता मैंने मैंने कहा कहा सोचो में मेरे साइड में। लिफ्ट दे दी उसने और एक यहां के, के बैठा एक फ्रंट में बैठा चार लोग पीछे बैठे किडनैप हो गए मुझे लगा मेरे को डर और सबसे पहले तो मैंने अपनी बैग की तरफ देख रहा हूँ मैंने कहा ये मेरा बैग जाएगा इतना सामान है इतना कैमरा गेट से इतनी हार्ड डिस्क है उसमें मेरे को अपना डर नहीं लग रहा मेरे को कैमरा बैग का बहुत डर लग रहा मैंने कहा यार क्या होगा तो उन्होंने एक्चुअली उनको तीस से चालीस किलोमीटर की राइड जा रही थी और बहुत लाउड थे वो लोग तो हमें समझ नहीं आ रहा क्या बात करें अफ्रीका में आपस आगे वाले ड्राइवर से बोल रहे हैं ड्राइवर लोग भी डरे हुए हैं ऑलरेडी बंदूकें है सबके हाथ में सोचो और हम ऐसे दब के बैठे हैं ऐसे कैमरा ऑन उन किया उनको <laughs> और फिर मैं बोल रहा हूँ हंस के बोल रहा हूँ मेरे को बहुत डर लग रहा है ये देखो सारे लोग बंदूकों के साथ बैठे हैं हंस के बोल रहा हो ताकि उनको पता नहीं चले और मेरे को मेरे को बहुत डर लग रहा फिर यू नो एक घंटा उन्होंने हमारे साथ बैठा एक घंटा हम बैठे रहे उनके साथ और उन्होंने बताया कि उनकी फाइट एक्चुअली आपस में लोकल में चल रही है उनको लिफ्ट चाहिए उनको अपने गाँव तक पहुँचना है बट आई थिंक हमने केसेस सुने थे पहले थोपिया के कि वहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है टूरिस्ट के साथ एक कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो मुझे डर था मन में बट लकीली वी वर सेफ़ उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं एंड लास्ट में जाते जाते फोटो भी खिंचाई हमारे साथ बाय भी बोला उन्होंने मैंने कहा फिर सही है चलो मेरा कैमरा बैग तो सेफ़ है <laughs> तो वो वही बहुत खतरनाक जगह थी वहाँ मुझे डर लगा था बहुत ज़्यादा आपको पता था कि लाइक ऐसा है तो फिर क्यों जाने का मन हुआ नहीं सुना था कि एक आधा इंसिडेंट कभी हुआ है ऐसे इतना रेगुलर okay. नहीं था कि चली रही है लड़ाई चली रही है ये तो बिल्कुल नहीं आइडिया था कि अभी करंट में लड़ाई चल रही है अभी लगा सब शांत है और हम ऑलरेडी लाइक like, उनके साथ जा रहे थे उन्होंने बोला सब सेफ है एवरी एवरीथिंग तो वहाँ के सारे लोग ऐसे ही है या फिर वहाँ का कल्चर कैसे लोग कैसे है न, देखो सिटी में तो नॉर्मल लोग बट वहाँ पे अब ट्राइब्स के बीच में भी गए थे हाँ हम बहुत सारे ट्राइब्स में गए थे वहाँ बिल्कुल अलग कल्चर है हर ट्राइब का कुछ ना कुछ अलग तरीके से वो खाते हैं अलग तरीके से रहन सहन है उनका किसी ने अपने यहाँ पे लिप्स पे वो, वो प्लेट, प्लेट लगा रखी है, है, बड़ी हाँ वाली हाँ तो हर ट्राइप का अलग कल्चर था वो वो हम कल्चर देखने ही गए थे एक्चुअली तो जो इथोपिया थी वहाँ पे वो एक कंट्री है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था जो मैं एंटर होते ही एक्चुअली हम सिटी में भी घूमते थे ना तो हमें डर लगता था कोई चुरा नाले कुछ ओके okay. वहाँ पर सुना था कि यू नो शाम में बच के रहना थोड़ा ऐसे हम जब बच बच के चलते थे वहाँ पर आपने कुछ अलग ट्राई किया खाने में खाने में मैंने ट्राई किया है साउथ mm, कोरिया में ऑक्टोपस लाइव ऑक्टोपस बताइए उसके बारे में वो हाँ मुझे एक्चुअली मैं इतना खाता नहीं हूँ नॉन तो बट वहाँ पे सब लोग ट्राई कर रहे थे सब लोगों ने ऐसे बोला ये <laughs> तो मैंने चलो टेस्ट करके देखते जरा सा टेस्ट किया था ऐसे चिपक जाता ऑक्टोपस यहाँ पर तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था बाकी आई वुड नॉट ट्राई दैट अगेन एक बार लाइफ में करना था कर लिया और एक्टिव वर्ल के बारे में कुछ बताइए ओह वो भी हमने इथोपिया में देखा था उस कंट्री में सो so, हम जा रहे थे ना आ, मैंने बताया था अलग ट्राइब में जा रहे थे तो ऐसे एक लोकेशन थी जहाँ पे एक्टिव वर्ल कैनो था उस टाइम और बिल्कुल अलग वाली फीलिंग है यार वहाँ पर ऐसा लगा कि मैं आ, अर्थ पर नहीं हूँ अलग ही एटमोसफेयर था वहाँ पर और हम वहाँ पहुँचे शाम के टाइम पर और एक मतलब हम जैसे गाड़ी रुकी और वहाँ पर पूरी कोई भी नहीं सिर्फ हमारी गाड़ी और कुछ नहीं पचास डिंग बिल्कुल शांति और हम ऊपर जाए जा रहे हैं और दिख रहा है दूर धुआं आ रहा है और जैसे हम वहाँ पहुँचने लगे ना मास्क नहीं था हमारे पास और एक सेकंड में ऐसा लगा गले में कुछ अटक गया और ऐसा मतलब मास्क मैंने मास्क नहीं लगाया था बस रुमाल रखा हो तो एक सेकेंड कैसे लगा सांस नहीं आ रही गया कुछ अलग फली फीलिंग पहली बार मुझे ऐसे लगाया फीलिंग कि किसी ने मुझे गला दबा रखा है यहाँ पर और हम फिर दूर से फिर हमें दूर से देखा उसको जब पहली नजर पड़ी ना वो कैनो पर भाई क्या फीलिंग थी वो लावा लावा की हमने ऐसे आंखों से देखा और हैरान हो गया निकल रहा था लावा जब कुछ अलग देखते हो ना अलग करते हो तो मजा आता है बहुत ज्यादा कभी ऐसा लगा कि जो आप फील करते हो वो आप कभी डिस्प्ले नहीं कर सकते या कर पाए हो लाइक जैसे आपने एक्सपीरियंस किया वो अगर मैं ड्रोन छोड़ लूंगा तो बट उतना जस्टिफाई नहीं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट जैसे हमने वोल्केनो देखा मुझे नहीं लगता कि मैंने उसको जस्टिफाई किया जो को फीलिंग आती है ना वो कई बार कैमरा से कोई फ़ील नहीं कर पाएगा कई बार कि उसको हम कितना ही अच्छा करके दिखा रहे आपको डर भी रहता है और मज़ा भी आता है बहुत मज़ा आता है यार अलग लगता है कि मैं कुछ अलग ही देख रहा हूँ ऐसे ऐसा मन कर रहा था बस देखते रहो उसको <laughs> तो वो फीलिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको करके ही आएगा जैसे मैंने बोला मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया लद्दाख के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी लोगों ने किसी को फीलिंग तभी आएगी जब वो वहाँ उस मोमेंट में होगा उस एनवायरनमेंट आपको फीलिंग देता है जब जिस एनवायरनमेंट में आप ढलते हो और हर बार हर ट्रिप से कुछ ना कुछ सीख के आते हो जैसे मैं अभी इतना बोल रहा हूँ मैं पता है दस साल पहले बहुत शांत किस्म का लड़का था <laughs> कहीं नहीं बोलता था कुछ भी कहीं रिलेटिव्स के घर भी जाता था शांति से बैठता था तो ये जो ग्रोथ आई है अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग कंट्री में जाके बात करके कैमरा से बात करके हर चीज़ में एक ग्रोथ है कहीं ऐसा हुआ है कि ना तो उनको हिंदी समझ आ रही है ना इंग्लिश समझ आ रही है आई थिंक हुआ है मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट Uh, फिर हमने क्या किया ट्रांसलेशन यूज करके उनको समझाया गूगल ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट यूज किया एंड देन लाइक मुझे लगा रहा है तो बड़ा आसान है समझाना <laughs> तो कर सकता हूँ काम <laughs> तो आई थिंक गूगल ट्रांसलेटर उसके उस केस में यूज कर सकता जब आप दुबई गए तो स्काई डाइविंग भी किया था जो लाइक ऑलमोस्ट uh, सबको करना रहता है बट हाँ. वो दिखने में अलग रहता है बट जहाँ आप खड़े रहते हो उसके बारे <laughs> में मतलब इस लाइक की वन टू थ्री होने वाला है उस बारे में बताओ तुमने किया कभी किया सुने लोगों की तो सबसे जब मैं जब मैं उनको बोल रहा था ना लिस्ट में मेरे को ये स्काई डाइविंग करना है तभी मुझे डर लग रहा था यार फिर मैंने कहा पर मुझे ये चेक मक करना है अपने लाइफ में ओके okay. पर मुझे उस टाइम तक आइडिया नहीं था कि कैसा फील होगा तो जब okay. हम जा रहे हैं हमें बहुत डर लग रहा था उस टाइम पर और जब हम फ्लाइट में बैठे हैं और फ़्लाइट में मैं बाहर देख रहा हूँ ऐसे ऊपर जाए जा रहे जाए जा रहे जा रहे इतनी ऊपर से कूदने वाला हूँ नहीं यार बहुत डर लगेगा बहुत डर लगेगा पूरी फ्लाइट में आपको डर लगता रहता है बट जो आपके साथ वाला होता है ना वो आपको बढ़ाता रहता है कोई नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा पर मुझे भी डर इसी बस उसी ने बचा रखा था कि मैं कूदने वाला हूँ तेरे साथ उस बंदे का नाम तो याद होगा अभी नहीं बिल्कुल याद नहीं वो लेडी थी एक्चुअली ओके okay. हाँ तो बट वो मुझे बोली जा रही कि कुछ कुछ नहीं होगा मैंने कहा चलो ठीक है और सब लोग बैठे हैं और जैसे जैसे आगे से एक कूदता जा रहा कूदता जा रहा हूँ मुझे काफी लोग कूदते हैं हाँ दस बारह दुबई में तो दस बारह कूदते हैं एक साथ उसके बाद मैं अफ्रीका में गया था तो फिर हम दो ही थे सिर्फ उस टाइम पे डिपेंड्स सो जब मैं कूदने वाला था तब सबसे डर लगता है पर जब जैसे मूवमेंट से पैर बाहर निकला उसके बाद का जो जॉय है ना उसकी कोई कंपैरिजन नहीं लाइफ में वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है ऐसे रोंगटे खड़े हुए हैं ना और मैं कूदा और आंखों में आंसू सोचो खुशी वाले और ऐसे रोंगटे और इतनी अच्छी फीलिंग की और मुझे ऐसा फील हो रहा मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया या फिर कुछ तो मैंने अच्छा काम किया लाइफ में जो ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली या फिर जो मैं कर रहा हूँ इस मूमेंट में जो तीस सेकेंड होते हैं वो फ्री फॉल वाले वो सबसे बेस्ट मोमेंट होते हैं उस मूवमेंट में मैं ऐसे लग रहा है मैंने बहुत सारी जिंदगी जी ली अपनी सो so, इतने सारे ख्याल मन में आते हैं बहुत अलग अलग और खुशी फील होती है तो वो सारा जो डर होता है ना कूदने से पहले जो कूदने से पहले आपको होता है और कूदते ही वो सब उल्टा हो जाता है एकदम थ्री सिक्स जो वन एट्टी डिग्री उल्टा हो जाता है और जो फीलिंग है उसकी उसी की सारी वैल्यू है दैट्स वाई लाइक जब आप करते हो ऐसा मन ऐसा मन करता है कि मैं दोबारा जाऊँ अभी तीस सेकेंड ख़त्म क्यों हो गए इतनी जल्दी पता नहीं चलता लगता है मैं कर हाँ उसके बाद जैसे हम नीचे उतरे ना मुझे लगा दोबारा करना है मुझे कसम से तो वो जिंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा अभी तक का सी हाँ। उसके बारे में बताओ तो वो मैंने पहली बार की स्विमिंग स्विमिंग आता आता था था पहले या नहीं नहीं, नहीं, नहीं आता था मुझे बस बेसिक जो आता ना जस्ट बेसिक जो तो ये, ये ये जरूरी है क्या कि अगर आप ट्रैवलर हो तो ये सब कुछ करना हाँ बिल्कुल जरूरी है क्योंकि आप बीच पे गए हो क्या करोगे बीच पे बैठ के जब आपको कुछ एक्टिविटी नहीं आती कुछ तो साथ में करो ताकि आपको अच्छा फील हो कि मैं यहाँ पे आके कुछ करके गया सीखते भी हो हाँ मतलब लाइक like, ऐसा लगता है कि मैंने उस जगह का पूरा फ़ायदा उठाया ओके okay. लेट्स से मैं किसी जगह पे गया और मैंने वहाँ पे वो चीज़ हो रही है सब लोग कर रहे हैं अब मेरे को डर के कारण नहीं कर रहा हूँ तो वो आप आधी आधी चीज़ करके आए वहाँ पे जैसे अंडमान्स में हम गए थे हमें वहाँ पे सी सी के पास गए हम रोज़ सी के, पास है, के पास है बीच के पास है बीच के पास बैठे हम किसी दिन तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना तो जब हम वहाँ पर फ़र्स्ट टाइम मैंने स्कूबा डाइविंग की उसके लिए स्विमिंग आनी जरूरी नहीं है जैसे ही मैं अंदर गया इतनी शांति इतना तुमने किया कभी अरे नहीं नहीं। होस्ट <laughs> को कुछ घर से बाहर निकलो ये वीडियो मैं देखूंगा बार करना, ये ये करना <laughs> इतनी शांति इतना सुकून ऐसा लगता है दुनिया में इससे ज्यादा कहीं शांति है नहीं बिल्कुल पीसफुल ऐसा लगता है कि उस उस मोमेंट में लग रहा था मुझे कि लोग पैसे क्यों कमा रहे हैं लोग इतनी वो कर कर रहे जिंदगी जीनी चाहिए यार लोगों को एडवेंचर करना चाहिए ये सब करना चाहिए इसमें जो फीलिंग है वो किसी चीज में फीलिंग नहीं है घर में बैठ के जो जो मतलब यू you नो know, आप नॉर्मल लाइफ जीते हो नाइनटी फाइव ब्रॉडकास्ट हाँ तो फिर वो जो फीलिंग है वो अलग है तो दैट्स व्हाई यू डू ऑल दीज एडवेंचर्स यू लर्न अ लॉट एंड यू फील डिफरेंट हम बाहर ट्रैवल करने क्यों जाते हैं हमें फीलिंग अलग ताकि राइट घर नॉर्मल जो हमें यूजुअल लाइफ में जी रहे होते हैं उससे, उससे अलग कुछ करने अलग करने के लिए, अलग लिए हम जाते हैं ना ट्रैवल अपने यू नो लाइक अलग एक्सपीरियंस हाँ कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं ताकि हम जब वापस आते हैं तो और फोकस होकर काम करते हैं आप एक ही टाइम में पूरी रोज़ रेगुलर वही करते जाओगे बोर हो जाओगे एकदम से बॉडी को कुछ अलग दोगे ना पूरा दिन करने के लिए आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी पूरी फीलिंग्स बॉडी की चेंज जाएगी और फिर जब आप आते हो डबल फोकस से काम करते हो जैसे तुम एक महीने से आप घर पे हो रोज काम कर रहे हो रोज़ एडिटिंग कर रहे हो निकलो किसी दिन एक हफ्ते बाहर और जब आप वापस आओगे अलग ही इंसान हो गया आप और डबल फोकस से काम करोगे ब्रेक ब्रेक लेना लेना जरूरी 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 है जरूरी है जरूरी है बहुत बहुत अपने लिए हम तो रहे के ब्रेक लेते हैं रोज <laughs> रोज, रोज। <laughs> और लाइक अभी नया क्या सीखा है कश्मीर जाके हाँ कश्मीर जाके आई थिंक सो मैंने इस साल डिसाइड किया था कि ना मुझे अब अब तक मैंने एडवेंचर चीजें की हैं स्काई डाइविंग मैंने किसी और के साथ लाइक की है mm -hmm. स्कूबा भी मेरे साथ इंस्ट्रक्टर थे उनके साथ किया अब मुझे वो चीज़ खुद से करनी है तो कैसी फीलिंग आएगी लाइक एक एक self, बार सेल्फ करते हाँ. तो कैसी फीलिंग आती तो मैंने सोचा था कि मैं आई एल स्टार्ट विद आ, क्या कहते हैं दिस स्नो बोर्डिंग या स्नो बोर्डिंग करना था विंटर में वहाँ पे होता है मैंने कहा हर बार मैं दो तीन बार कश्मीर में गया एक बार ट्रैक किया एक बार मैंने टूरिस्ट लोकेशन की हैं दिस टाइम आई एल डू एल्स इन कश्मीर आई एल लर्न अन यू एडवेंचर आई स्टार्ट माई दिस ईयर विद लर्निंग न्यू थिंग्स सो मैं जहाँ वहाँ पर एक हफ्ता था बहुत ठंड थी बहुत लाइक बहुत लगी हमें हाथ पैर पूरे टूट गए ऐसे और पर ठंड में तो बहुत ही लगता है हाँ बहुत लगता, लगता है स्नो बोर्डिंग में बहुत ज़्यादा लगता है तो जब एक हफ़्ता मैंने कर लिया ना तो मुझे शुरू के दो तीन दिन, दिन अच्छा लगा उसके लास्ट के तीन चार दिन अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि मेरी बॉडी बहुत वीक है ओके okay. बहुत वीक है मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ तो सबसे पहले अंकित आपको स्ट्रांग बनना है उसके बाद ये चीज़ें सीखना तो आते ही मैंने अपना हेल्थ एंड फिटनेस में मैंने स्टार्ट किया मैंने कहा मैं नेक्स्ट ईयर आई कम अगेन और फिर मैं सीखूंगा तो ये साल जो मैंने सोचा था मैं एडवेंचर करूँगा मैंने कहा इस साल नहीं करूँगा इस साल मई आल गिव दिस टू माई फिटनेस सो दैट वहाँ से आने के बाद मैंने मार्च में फिटनेस वाली जर्नी स्टार्ट की इट्स बीन थ्री फोर मंथ्स मैं बहुत रेगुलर हूँ कहीं भी जाता हूँ ट्रैवल भी करता हूँ तो भी जिम जाता हूँ घर पे रहता हूँ तो भी डाइट फॉलो करता हूँ अच्छे से आई थिंक आई फील डिफरेंट ना होके इस साल मैंने फ़िटनेस को दिया है तो लाइक like, uh, ट्रैवल करते हो तो कैसे मैनेज करवाते हो ट्रैवल करते करते इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली डाइट करना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द गो लाइक वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन बट आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो यू कैन यू नो ऑलवेज सी कि यहाँ पे uh, अच्छा फूड क्या है उसमें ऑप्शन क्या है अच्छे में वो सेलेक्ट कर सकते हो हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हो आप एंड देन लाइक जस्ट जो हमने लोकेशंस बुक बुक करते हैं वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे जिम है या नहीं है अगर वहाँ नहीं है तो घर पर हम वर्कआउट कर सकते हैं लेट्स से पंद्रह बीस मिनट का सो so, जो, जो आपका ट्रैवल वाला पीरियड होता है यू मेनटेन यू डोंट ग्रो एक्चुअली सो जैसे मैं तीन महीने से वर्कआउट कर रहा था फिर मैं ट्रैवल प्लान आया तो दस दिन मैं सिर्फ वहाँ पर मेंटेन कर रहा था अपनी बॉडी को मैं लूज आउट ना करूँ दस के दस दिन ठीक ठाक खाता रहूँ ठीक ठाक मेंटेन रखूँ पोश अब्स करूँ एंड ऑल दैट सो so, घर वापस आऊँगा फिर देन आई गेन अगेन सो so, ये मैंटेलिटी रहनी चाहिए कि आई जस्ट मेनटेन आई विल ट्राई टू मैंटे नॉट ईट लाइक यू नो जंक ऑल द टाइम एंड देन जस्ट इंक्लूड अ बिट ऑफ एक्सरसाइज अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ट्रैवल करना है आ, या एक, माउंटेन एक्सप्लोर करना है ठीक है? है कोई सिटी एक्सप्लोर करनी है ठीक है तो वॉट इज मेरे को पहाड़ों सब से सबसे ज़्यादा प्यार है ओके okay. उसके बाद बीच से उसके बाद सिटी से मुझे सिटीज सिटी सबसे कम अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि आप उसमें ही रहते हो नहीं मुझे एक्चुअली या मतलब मुझे फीलिंग आती है नेचर में नेचर में भी पहाड़ों से मानसून से लाइक आई वुड प्रेफर क्लाउडी होना चाहिए वेदर और मिस्टी होना चाहिए और पहाड़ होने चाहिए और पहाड़ों के साथ बीच हो तो और भी बेस्ट बात है कोई ऐसा एक्सपीरियंस की जब आप ऊपर जाते हो तो कोई आपके पास ऐसे कुछ सोर्स नहीं रहते है। इंटरनेट नहीं रहता हाँ, कुछ हाँ, नहीं हाँ। नहीं रहता उसके बारे में बताओ जैसे हमने ट्रैक किया था हाँ राइट हाँ हाँ। हम हम लोगों ने साथ में ट्रैक किया पहली बार हम कुंवारी पास गए थे चीज है कि मैंने एक नोटिस किया कि आप ट्रैक करते हो तो भी बहुत ज्यादा सूट करते हो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ये yes. तो वो क्या रहता है मैं यूजली कैसा तो लोग क्या थक जाते हैं आप कैसा किया ये भी शूट करना ये भी शूट करना ये भी दिखाना रही है मैं बताता हूँ कैसे हर चीज़ हर लोगों को ना अलग तरीके से मज़ा आता है ओके okay. मुझे शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है लोकेशन हुँ. के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस उस मोमेंट को भी लाइक like, प्रिजर्व कर लूँ किसी तरह हुँ. क्योंकि इतना अच्छा मोमेंट है वापस नहीं आने वाला मेरी लाइफ में हो सकता है मैं इस लोकेशन पर वापस नहीं आऊँगा सो आई लाइक किसी को किसी चीज़ से किक मिलता है मुझे शूट करने से किक मिलता है जब मैं अच्छा शॉट लेता हूं तो मुझे किक मिलता है एक्टिव हो जाते वापस हाँ मैं पहले फ़िल्म मेकर हूँ फिर ट्रैवलर हूँ ओके okay. जो पहले ट्रैवलर होंगे तो उनको ट्रैवल करने में वो कम शॉट लेंगे या थक जाएंगे क्योंकि उनको ट्रैवल करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे ट्रैवल करना है बट मुझे उसको शूट भी करना है उसमें फीलिंग है मेरे को फीलिंग आएगी सो इसलिए आई ऑलवेज शूट एंड देन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट राइट वाइल्ड ट्रैवलिंग जैसे मैं स्क्रिप्ट नहीं प्लान करता कर नई चीज़ दिख गई तो जो भी मुझे अच्छा दिखता जाता है वो मैं शूट करता जाता हूँ और लाइक टाइमिंग का पता नहीं चलता है हमें और हम बात करते हुए जाते हैं आपस में दोस्तों के साथ जैसे हम भी जा रहे थे हम बात करते हुए जा रहे थे रास्ते में शॉट लेते हुए जा रहे थे एंड देन वी हैव लॉड ऑफ शॉट्स एंड वी कैन कंबाइन एंड क्रिएट अ गुड स्टोरी आउट ऑफ इट और उस मोमेंट में पता भी नहीं चलता आप कैसे बीत जाते हो बट मैंने एक बार ये ट्राई किया था कि मैं बिना कैमरा के जाऊँ तो वो मैंने किया था उसमें भी मुझे अलग मज़ा आया था जिसमें मुझे कैमरा का को कोई प्रेशर नहीं है मैं जिस जा रहा हूँ इंजॉय कर रहा हूँ और दोस्तों से बातें करते हुए जा रहा हूँ जैसे मैं लद्दाख गया ना तीन चार बार तो मैं फर्स्ट टाइम ग्रुप के साथ गया सेकंड टाइम मैंने बाइक ट्रिप की जिसमें बाइक चलाया थर्ड टाइम हम खुद से ड्राइव करके गए तो हर बार अलग टाइप का ट्रिप करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि इस बार कुछ अलग क्या कर सकते हैं mm -hmm. तो दैट्स लाइक माई गोल ऑल द टाइम ओके तब को डर किस चीज़ से लगता है कोई शॉर्ट ले लिया जो बहुत हाइट से है बट वो कैमरे में तो बहुत सॉलिड दिख रहा है बट जब आप शूट करने जाते हो बिहाइंड द सीन <laughs> तो, तो जब तो उस सब चीज़ों के लू या नहीं लू ये अच्छा दिखेगा बट ऐसी क्या चीज़ों से डर लगता है आई mm, थिंक मुझे हाइट से तो डर लगता ही लगता है जब मैं किसी क्लिफ पे जाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है आई ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक यू नो इतना क्लोज ना आ जाओ तो वो एक चीज़ है दूसरी चीज़ है मुझे लाइक like, अगर वाटरफॉल बहुत ज़्यादा पानी है पानी से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे अच्छे से स्विमिंग नहीं आती होती मुझे डर लगता है कि मैं डूब गया तो तो इसलिए लाइक like, जब मैं जाता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा सेफ रहनिंग ट्राई करता हूँ हमेशा मेरे साथ लोग होने चाहिए ताकि आपके भीड़ ले सके कोई <laughs> <laughs> नहीं ताकि मैं सेफ़ रहूँ दोस्तों के साथ जो जाने मज़ा आता है ना जो आपकी फीलिंग वाले दोस्त होते हैं जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे वो फीलिंग लाइक like अकेले मज़ा नहीं आएगा कभी भी हम जैसे हम दोनों का सेम टेस्ट है अपन दोनों जाएंगे ना आप सेम टाइम की बातें करेंगे लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके होंगे कोई हमारे पास मोबाइल नहीं है तो वी कैन बी देयर हंड्रेड परसेंट ऐसी जगहों पे हाइकिंग पे हम हंड्रेड परसेंट वहीं पे मूवमेंट में होते हैं सिटी में हम घूम रहे होंगे या फिर बीच पे होंगे तो हमारे हाथ में फ़ोन रहेगा और हम रील क्रोल कर रहे होंगे यू नो और लोगों को देख रहे होंगे फ़ोन में बट जब हम पहाड़ों पर होते हैं पूरा डिस्कनेक्ट होते हैं और हम अपना हंड्रेड टाइम दूसरे वाले को देते हैं ध्यान से है। सुनते हैं रात को स्टोरीज बैठ के शाम को शूट खत्म हो गया रात को जैसे हम बैठ के एक टेंट में बैठे थे बातें कर रहे थे कार्ड्स कार्ड्स खेल खेल रहे रहे थे <laughs> थे हमारे पास फोन ही नहीं हम और आ, क्या करें हम एक आ, दूसरे के साथ हंड्रेड परसेंट है तो जहाँ वो एनर्जी एक्सचेंज करते ना एक दूसरे के साथ वो अलग होती है हर बार आप अलग लोगों के साथ जाओगे उनकी एनर्जी लेके आओगे आप चार भी आओगे हाँ जैसे हम अपने दोस्तों के साथ तो जाते हैं बट हम नए लोगों से हर बार मिलते हैं जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ आता बट मैं तुमसे मिला वहाँ पे हमारी एक अलग एनर्जी मैच हुई फिर हम पता चला कि तुम पुणे से हो मैं भी पुणे से हूँ फिर अब हम दोस्त हैं <laughs> तो देवकुंड लाइक जो क्लिप आपके पास देवकुंड का है yes. तो किसी के पास नहीं होगा हाँ. उस जो पर्टिकुलर पीरियड था लाइक पांच मिनट दस मिनट बोलो वो क्या था सो लाइक देवकुंड हम साथ में गए थे

सब लोग चले गए थे हम लास्ट में थे हम वापस आ रहे हैं पहाड़ के सार मतलब पता ही नहीं चल रहा कि वाटरफॉल वाटरफॉल की लाइन कौन सी हर जगह से वाटरफॉल आ रहा है वो जो नज़ारा था आंखों से जो मैंने देखा है ना वो डरावना भी बहुत था और वो लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट बन गया मेरा लाइक जो कैप्चर किया हमने वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था यार और आपके बक, बकेट लिस्ट में और क्या क्या चीज़ें जो आपको करनी है मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है ओके और मुझे स्काई डाइविंग सीखनी है इस बार ओके लोगों को करवानी है नहीं, मुझे नहीं लोगों को नहीं करवानी मुझे इंस्ट्रेक्टर नहीं, नहीं बनना मुझे खुद से कूदता है अकेले ओके वो मेरा लाइक like, मैं कभी आंखें बंद करता तो हूँ ना कोई मुझसे पूछता है एक ऐसी चीज था लाइफ में जो आपको करनी है तो मैं आंखें बंद करके मुझे वो सीन दिखाई देता है कि मैं हेलीकॉप्टर से कूद रहा हूँ खुद से ऐसे वो एक दिन आ गया तो मेरे को हाइट से डर लगता है थोड़ा तो मेरा वो डर खत्म हो जाएगा उस दिन और वो जब भी कोई मुझसे पूछता है मेरे मन में यही ख्याल आता है आँखें बंद होती है वो एक मोमेंट याद आता है कि वो आपको करना है वो मेरे को सीखना है बट एक ऐसा है अभी ऐसा है कि मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ हर साल डिले करता जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम करूँगा वो भी एक ट्रेड ऑफ़ है वैन यू आर मेकिंग लाइक यू नो वर्किंग विद डिफरेंट ब्रांड्स काम कर रहे हो एक ट्रेड ऑफ़ है कि आप यू हैव टू से नो टू मनी एंड देन डू एन लाइक वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको पसंद है पसंद है कई बार ट्रेड ऑफ़ हो जाता है कि वो टाइम नहीं निकाल पाते अच्छे से तो होपफुली जल्दी करूँगा मैं तो मेरे को ये बताइए अगर मैं पूछूँ कि इंडिया में कोई तीन प्लेस आपको देखनी है जाना ही चाहिए तो क्या बोलोगे एक तो सबसे पहली लोकेशन लद्दाख जाना चाहिए आपको समर में ओके okay, क्यों क्योंकि वो जो जगह है वो बिल्कुल अलग है अपनी यहाँ से तो आ, आपको अलग फीलिंग आएगी सेम आपको इंडिया से बाहर नहीं जाना पड़ेगा बट फीलिंग अलग आएगी तीनों चीज़ फीलिंग के ऊपर बोलूँगा मैं दूसरी चीज़ आपको विंटर में जाना चाहिए नॉर्थ में कहीं भी स्नोफॉल के लिए वो फीलिंग अलग होगी आई वुड सजेस्ट कश्मीर जा सकते हो ओके कश्मीर में गुलमर्ग जा सकते हो तो आपको फीलिंग अलग आएगी फीलिंग अलग लेनी है बेसिकली हमको लाइफ में और तीसरी जगह हम नॉर्थ ईस्ट जरूर जा सकते हैं वहाँ के आपको वहाँ पे लाइक like, लोग बहुत हम्बल है बहुत अलग फीलिंग देगी आपको कंपेरेटिवली और वहाँ का ब्यूटी भी बहुत अलग है लाइक नेचर एंड ऑल दैट और वहाँ पे लाइक like, इतना टूरिस्टिक भी नहीं है एंड स्टिल इट्स वेरी ब्यूटिफुल लाइक बहुत सारी लोकेशन है मेघालय इज़ वेरी ब्यूटिफुल तो वहाँ पर एक अलग फीलिंग आएगी फीलिंग की बातें हो रही हैं यहाँ पे सिर्फ तो ये तीन जगह जाना चाहिए आपको अगर मैं पुणे में रहूँ तो मुझे कहाँ जाना चाहिए <laughs> हाँ पुणे में जाइए तो पहले आप वेट करो पूरे साल जुलाई और अगस्त का मानसून हाँ मानसून का एंड देन मानसून में आप दो चीज़ करो सबसे पहली चीज़ कोई ऐसा जंगल ट्रैक करो या फिर हाइक करो जहाँ पे एंड में आपको वाटरफॉल मिले बिकॉज दे आर लॉर्ड ऑफ वाटरफॉल्स इन पुणे और बहुत सुंदर सुंदर है लाइक like कालू वाटरफॉल बहुत ही सुंदर मैं लास्ट ईयर एक्सप्लोर की दस साल मैं यहाँ पर रहूँ मुझे पता नहीं था उस लोकेशन के बाद में इट्स वेरी ग्रैंड बहुत बड़ा है दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए आपको फोर्ट करनी चाहिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट्स हैं और बहुत सारी हिस्ट्री है जैसे राजगढ़ फोर्ट है बहुत सुंदर फोर्ट है पुणे के आसपास है और वहाँ पे बहुत हिस्ट्री है ऐसे एंड mm देन -hmm. वो दो अलग टाइप की लोकेशन है फोर्स छड़ो वाटरफॉल्स जाओ मैं हर साल वेट करता हूँ दो महीने कब आएगा और कब मैं जाऊँगा ये दो चीज़ करने तो नए लोकेशन या नए वाटरफॉल कैसे समझ में आते हैं कि ये यहाँ पे है सर्च करो थोड़ा सा आई थिंक हम थोड़ा सा हम सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे को भी ऐसे ही और लोगों से बात करके पता चलता है सेम मेटेलिटी के जो लोग होते हैं ना जो काफ़ी सारा घूमते हैं उनसे आप बात करते हो देखते हो कॉन्टेंट या फिर किसी से बात करते हो तो पता चलता है कि ओके कि नई लोकेशंस भी हैं बहुत सारी लोकेशनस हैं मतलब मुझे हर साल कुछ नया पता चलता है तो यार ये तो मैंने किया ही नहीं है मेरे घर से सौ किलोमीटर पर लाइक कल्सूबाई मैंने किया था तो बहुत ही लाइक महाराष्ट्र का हाइस्ट पीक है कलसूबाई वो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे संदन वैली है वो करना चाहिए और कलसूबाई करना चाहिए हाईएस्ट पीक है आपको अपने स्टेट में सोच हाईएस्ट लोकेशन पे गया मैं जब अफ्रीका में गया था हाईएस्ट माउंटेन किया था अफ्रीका का तब वहाँ मुझे फीलिंग आई कि यार मुझे अपने स्टेट का भी हाईएस्ट माउंटेन चढ़ना है पहले मैंने कभी फीलिंग नहीं आई बट जब मैंने वो माउंटेन किया तो मुझे पता चला कि अलग टाइप की फीलिंग आती है आप पूरे स्टेट के या फिर पूरे इंडिया के जहाँ भी आप हाइएस्ट टॉप पे हो, हो वो फीलिंग अलग है हर बार मैं फीलिंग से रिलेट कर रहा हूँ जब आपको फील अलग आएगा तब आपको मज़ा आएगा आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी तो आप लाइक ब्रेक लेते हो घर जाते हो होम टाउन हाँ बिल्कुल जाता हूँ मैं लाइक आई थिंक से छः सात महीने में मेरा होम टाउन है हरियाणा में ओके तो अगर घर जाते हो तो वहाँ पे भी शूट रहता है या फिर लाइक कैसे नहीं नहीं वहाँ पे मैं शूट नहीं करता वहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम आई थिंक मैं सिर्फ घर पे बैठता हूँ दोस्तों से कभी मिलना होता तो मिलता हूँ नहीं तो घर पे बैठ के एडिट करता हूँ ओके नए लोगों से मिलना पसंद है बहुत ज़्यादा उनसे बात करना पसंद है बात करने के बाद पता चलता है कि अगली बार मिलना है कि नहीं मिल है आप क्योंकि सीखने को मिलता है हर बार कुछ आप इतना इंस्टाग्राम लाइव क्यों नहीं करते ओ इंस्टाग्राम लाइव आई थिंक मैं बहुत बार सोचता हूँ बट मेरे अंदर ना आई थिंक एक प्रोकेशिनेशन वाली फीलिंग है कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे करना तो है बट करता नहीं डिले कर लेते हो डिले कर देता हूँ अब मुझे कई बार समझ नहीं आता कि मैं लाइव तो चला जाऊँगा बट मैं बात क्या करूँगा क्योंकि वहाँ लोग नहीं है बात करने के लिए जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा टाइम कैसे जा रहा है बट यहाँ मुझे अकेले ही बोलने जाने बोले जाए तो मैं समझ नहीं आया कुछ टाइम बाद इट जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों को सुनना होता है आई थिंक करना चाहिए मुझे Always. मुझे अपना खुद का पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा ओके <laughs> पड़े okay मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा इस बार ओके 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 और ये बताइए कि लाइक like, नंबर्स कितना मैटर करता है इट्स मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग नंबर तो मैटर करेगा सी एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका काम अच्छा होना चाहिए उसके बाद सेकेंड चीज़ नंबर अच्छे होंगे तो उस काम के पैसे ज्यादा मिलेंगे आपको ओके सेम काम के अगर लाइट से आपके फॉलोअर्स कम है कॉन्टेंट बहुत अच्छा है ब्रांड आपके रीच भी देखेगी okay, तब सब रीचर हंड्रेड परसेंट ओके तो आपके वन मिलियन फॉलोअर्स है आपके दस मिलियन फॉलोअर्स है बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों में हु. दोनों में आपको पेमेंट अलग मिलेगी काम सेम होगा बट आपका दस मिलियन वाले का काम अच्छा नहीं है एक मिलियन वाले का काम अच्छा है तो एक मिलियन वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे बट सोचो यही एक मिलियन के ज़्यादा है तो पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे तो डेफिनेटली hmm. नंबर्स तो मैटर करते हैं हर किसी के लिए कोई अगर बोलता है ना मेरे को नंबर मैटर नहीं करते वो तो झूठ बोल रहे <laughs> हर किसी को मैटर करते हर किसी को चाहिए कि ज्यादा लोग मुझे जाने और ताकि मैं सेम काम करके मोटिवेशन मिल जाए मोटिवेशन मिलेगा ना सोचो कुछ मैं डाल रहा हूँ बट कोई देख नहीं रहा तो मेरा मोटिवेशन कहाँ गया कोई देखने वाला ही नहीं है आपको पोस्ट पे क्या पसंद है लाइक लाइक्स शेयर क्या पसंद है काइंड ऑफ थिंग आई थिंक मुझे शेयर्स सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो तो को पसंद है शेयर्स oh, <laughs> आप अपना ओके ओके इसके बारे में बताओ कि कभी आप बाहर गए हो फैमिली के साथ और किसी ने कोई आपको मिल जाता है लाइक एज ए फैन तो लाइक like, वो कैसा फीलिंग रहता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हर बार और मैं आई थिंक लाइक लोगों को लगता होगा कि मैं मेरे अंदर शायद एटीट्यूड होगा मैं बहुत हम्बल तरीके से बात करता तो हूँ क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कोई मुझसे बात करेगा ना कोई ये बोल नहीं सकता कि इसमें एटीट्यूड है क्योंकि मेरे अंदर है ही नहीं मैंने बोला था ना शुरू में कि आप जैसे इंसान होते हो वैसे ही रहते हो आप बट एम्पलीफाई हो जाते हो तो अगर आप हम्बल हो तो और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे आप तो जब लोग मिलते हैं मुझे मेरे को तो अच्छा लगता है बाद में जो मेरे साथ लोग होते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि कई तेरे को तेरे को भी शांति <laughs> लोग <laughs> मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स होते कॉलेज के फ्रेंड उनके साथ जाते हो तो अरे तेरे तिरको भी मुझे नहीं पता था ओके तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि लाइक आपका शूटिंग स्टाइल रहता है ओके और एडिट स्टाइल रहता है तो ये लाइक मैटर करता है कि लाइक जो शूट किया वो एडिट का पहले सोचते हो या फिर लाइक पहले शूट कर दिया देन एडिट देखते हैं ऐसा सीन मेरे साथ मोस्टली ऐसा हुआ है कि जब मैं शूट कर रहा होता ना और जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ तो एडिट करने के बाद जो कॉन्फिडेंस जो तो दिखता है कि अरे तो जो शूट कर रहा था उससे दस गुना ज्यादा मेरे को अब अच्छा लग रहा है एडिट होने के बाद एक विजन होता है कि ऐसी बनेगी वीडियो कई बार हमेशा मेरे को ऐसा लगता है मेरा विजन से ज़्यादा अच्छी बनती वीडियो बहुत कम बार एक दो बार ऐसा हुआ हो कि वैसी नहीं बनी जैसी मुझे चाहिए थी बट मोस्ट ऑफ द टाइम एन यू शूटिंग यू आर जस्ट लाइक थिंकिंग कि ठीक है ठीक ठाक हो जाएगा शूट पर जो एडिट करने के बाद जो फीलिंग आती है mm -hmm. ओह ये तो बहुत अच्छा हो गया यार ऐसा तो सो सोचा ही नहीं था म्यूज़िक के बाद साउंड इफेक्ट्स के बाद कलर ग्रेडिंग के बाद वो अच्छा लग रहा है स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो गई है नाउ इट इज़ लाइक मैंने धीरे धीरे स्टोरी पे फोकस करना ध्यान दिया है कि मैं जब भी वीडियोज़ बनाऊँ आई ऑलवेज़ ट्राई कि उसमें एक स्टोरी हो सो so, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है स्टोरी टेलिंग ऑलवेज विन्स चाहे आप कितनी अच्छी क्वालिटी वीडियो hmm. बना लो स्टोरी टेलिंग नहीं है ना उसमें स्टोरी अच्छी नहीं है इट्स इट्स नॉट अ गुड थिंग आप खुद ही शूट करके एडिट करते हो वो हाँ। ही पसंद है पसंद तो है ब, अब नहीं है पसंद इतना मैं एडिट करता हूँ बट बिकॉज अभी बहुत सारी वीडियोज़ हो चुकी हैं मैं पिछले hmm. दो साल से ट्रैवल कर रहा हूँ एडिट करना अच्छा लगता है बट क्या है कि आई नीड एडिटर्स बहुत ज़्यादा एडिटर्स चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे पाँच छः एडिटर्स चाहिए <laughs> क्योंकि कॉन्टेंट इतना ज़्यादा है कि वो अगले पाँच साल में भी नहीं आ पाएगा नहीं। तो आई would really वॉन्ट कि आई जैसे एडिटर्स मिले जो अच्छे क्रिएटिव सोच सके ऐसा नहीं कि मैं उनको बोलूँ कि करना है ऐसा बस एक डायरेक्शन मिल जाए कि ये इस में ऐसा शूट हुआ है तुम खुद अपना दिमाग लगा के बनाओ ऐसे लोग मिल जाए तो मजा आ जाए लाइफ में और लाइक म्यूजिक इज़ द हार्ट ऑफ द फिल्म ओके तो वो कैसे लाइक ये सेटिस्फाई करेगा ये इसके लिए परफेक्ट है वो कैसे समझता है आई थिंक टाइम टाइम से सब कुछ पता चलेगा आपको okay. जब आप बनाना शुरू करोगे शुरू में आपको समझ नहीं आएगा देन यू हैव टू वॉच लॉर्ड ऑफ मूवीज़ लॉर्ड ऑफ अदर पीपल कॉन्टेंट जिस टाइप का आपको बनाना है वो देखो आपको समझो मैं जैसे पहले मुझे वीडियोस शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों की देखता था कि कैसा बना रहे से एक एक फ्रेम बाय फ्रेम मैं समझता था बार बार रिपीट पे देख रहा हूँ समझ रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कैसा और फिर अपने आप सेंस डेवलप होती है आपकी वेन यू कीप ऑन वॉचिंग यू नो प्रैक्टिसिंग तब जाके आएगी ऐसा नहीं कि पहले दिन ही में आप प्रो बन जाओगे सो so, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप बनाना शुरू करो और देखना शुरू करो धीरे 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 यू विल रीच यही एक तरीका है ओके okay. जब हम डिग्री करने जाते हैं कॉलेज में पढ़ाई करते हैं पहले दिन तो नहीं आती होती सब कुछ जब हम निकल रहे होते हैं तो काफ़ी कुछ पता होता है हमारी लाइफ चेंज हो चुकी होती है तभी चेंज होगी जब आप करोगे वो काम कभी ऐसा हुआ है कि लाइक कोई भी जिस पर काम कर रहे हो लाइक वो अटक गया है या फिर लाइक हाँ लाइक हाँ। पे आके पेशेंस टेस्ट कर रहा मेरे साथ हुआ है मेरे साथ हुआ है मैं बताता हूँ दुबई टूरिज्म में हुआ है दुबई टूरिज्म के जब मैं वीडियो बना रहा था दुबई वाली वीडियो बना रहा था क्योंकि वो एक हफ्ते की वीडियो थी बहुत बड़ी वीडियो थी मेरा लैपटॉप इतना अफोर्डेबल एफोर्ड नहीं कर पा रहा था मेरी वीडियोस को सोनी सेवन एस थ्री से टेन बीट वीडियोज़ मैरिट करो फोर के वन ट्वेंटी में जो शूट हुआ है वो मेरा लैपटॉप ले ही नहीं पा रहा और देन मैं उसकी प्रॉक्सी भी नहीं बना पा रहा क्योंकि फोर के वन ट्वेंटी में शूट हुआ हुआ है एंड लैपटॉप मेरा झेल नहीं पा रहा सो मैंने तुम विश्वास नहीं करोगे वो ट्वेंटी मिनट की वीडियो कि मैंने ट्वेंटी एक्सपोर्ट्स किए अलग अलग एक एक मिनट के फिर तीस तीस सेकंड के भी किए बीच में क्रैश हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा oh. प्रीमियर प्रो उस टाइम पे क्योंकि लैपटॉप इतना झेल hmm. नहीं पा रहा तो बीस एक्सपोर्ट्स किए फिर उसका एक नया प्रोजेक्ट बनाया और फिर उसमें बीस वीडियोज डाली फिर जाके फाइनल एक्सपोर्ट हुआ मेरा फिर कुछ भी एडिट करना होता तो कुछ भी चेंज करना होता तो क्योंकि बिकॉज मेरे को टूरिज्म वीडियो को भेजना था टूरिज्म ब्रांड को भेजना था तो उन्होंने रिव्यू किया कुछ चेंज करना तो मैं पहले मैं औरजिनल में जाकर चेंज करूँगा फिर एक्सपोर्ट करूँगा फिर सेम फिलोम डू बैटर डेफिनेटली कोई बोलता ना इक्विपमेंट मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से तो हंड्रेड परसेंट मैटर करते हैं एक कहते हैं ना लाइक चैरी ऑन द केक इज़ दिस स्टोरी टेलिंग आप और अच्छे तरीके से दिखा सकते हो आपका कैमरा अच्छा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी तो कैमरा की एक बोलते फ़ोन से शूट कर लो एक आप कैमरा से शूट करोगे क्वालिटी डिफरेंस डेफिनेटली आएगा आपका तो फेवरेट कैमरा और लेंस अगर एक ही लेंस यूज़ करना रहा तो अगर मुझे सिर्फ लाइफ में एक ही लेंस एक ही कैमरा यूज़ करना है तो मैं सोनी सेवन एस थ्री उठाऊँगा और ट्वेंटी फोर एम एम एफ वन पॉइंट फोर लेंस उठाऊंगा एंड देन आल बी गुड टू गो ओके माइक के साथ शूट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट माइक भी चल जाता है नहीं माइक okay, uh, <laughs> तो ऑलवेज़ यू नीड अ माइक बिकॉज सी जितनी वीडियो इंपॉर्टेंट है उतनी आवाज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके ड्रोन के शॉर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं आपके तो अच्छे शॉर्ट्स होते हैं एक्सपीरियंस गंदे हो सकते हैं ड्रोन उसके बारे में कुछ बताओ आप उस लोकेशन को एक बहुत अलग तरीके से दिखा सकते हो ड्रोन से दैट्स इट्स लाइक अ फिलर इन योर स्टोरी टेलिंग इन यू फिल्म मेकिंग यू नो जो वीडियो जो आप बना रहे हो तो दैट्स वाई वी यूज़ इट ऑल द टाइम कि अलग क्या कर सकते हैं हम हम कैमरा से तो शूट कर ही रहे हैं mm -hmm. कुछ अलग दिखाने के लिए ड्रोन ऐड करते हैं बट इट कैन नॉट बी द मेन फोकस ऑफ द वीडियो सो अब इतना प्रैक्टिस हो गया है कि अब पता चल जाता है वो कैम जैसे ही आते हाथ में कि क्या शॉट लें बट लाइक ये तो है ही है कि जब तो आपने क्रैश नहीं किया तो यू आर प्रोफेशनल ओके

कि यार वहाँ नहीं मिलेगा इससे जुगाड़ कर लेते हैं ये तो होगा तो मैं कुछ भी खाना नहीं मिलेगा तो ये खा सकता हूँ हाँ आई थिंक ये हमने अफ्रीका में ट्राई किया था सो so हम अफ्रीका जैसी कंट्री में जा रहे थे पहली बार यू you नो know, पाँच कंट्रीज़ करने वाले हैं दो महीने बाहर रहने वाले हैं और हमें आइडिया नहीं वहाँ खाना कैसा होगा एंड उस टाइम मैं इतना नॉन वेज नहीं खाता था वहाँ पे मोस्टली नॉन वेज के ऑप्शन था तो हम यहाँ से एक ड्राइड फूड लेके गए थे लाइक जो वहाँ जाके पानी में डालो के खा और खा सिंपल सब्जी बन जाएगी आप खा सकते हो कुछ भी नहीं हुआ देन यू कैन सर्वाइव ऑन दिस तो हम यहाँ से सारी दाल मखनी राजमा भिंडी सब लेके गए थे और आई थिंक उनका जो पीरियड था वो तीन चार महीने का था कि तीन चार महीने इट कैन बी लाइक ख़राब नहीं हुआ तीन चार महीने तक बिकॉज तो तो वो पूरा सूखा हुआ है हमने वहाँ जाके जब कुछ नहीं मिलता तो हम ये बनाते थे, थे और मज़ा आता था इंडियन वाली वाइब आ गई इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह मिल जाता है इंडियन रेस्टोरेंट सिटीज़ में हर जगह मिलते हैं ये सबसे अच्छी बात है दुनिया के किसी कंट्री में भी चले जाओ सिटीज़ में आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको मिल जाएंगे जैसे अभी मैं रिसेंटली हॉन्गकॉन्ग हो गया है हॉन्कॉन्ग के बारे में लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ पर भी ना इट्स इन एशियन कंट्री एंड देन वहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे अफ्रीका इथोपिया जो मैं बता रहा था फर्स्ट कंट्री वहाँ भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे इंडियन रेस्टोरेंट्स हर जगह है और टेस्ट टेस्ट भी अच्छा है हर जगह क्योंकि वहाँ इंडियन ही बनाने वाले हैं ओके okay, जब आप ख़ुद से एक्सप्लोर करते हो कोई लोकेशंस लाइक इंडिया हो सकती है आउट ऑफ इंडिया हो सकता है तो आप कैसे जगह पे रुकते हो ओके okay, ट्रैवल कैसे करते हो इस लाइक कि थ्री स्टार फाइव स्टार होटल्स या फिर होम स्टे या फिर ट्रैवल लाइक कैसी लग्जरीज कार या फिर आप क्या प्रेफ़र करते हो मैं ट्राई करता हूँ कि होम स्टे में हम रहे सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है अगर लोकेशन अच्छी है तो हम ट्राई करते हैं होम स्टे में रहें क्योंकि होम स्टे में क्या है कि जो वहाँ के लोग होते हैं उनसे बात भी करते हो होटल में आप कोई पता नहीं चलता थ्री स्टार फाइव स्टार थ्री स्टार फाइव स्टार में रहोगे कुछ कनेक्शन नहीं बनेगा जो कनेक्शन है वो वहाँ बनेगा फॉर एग्जाम्पल हम स्पीति वैली गए थे वहाँ होम स्टेज में रुके थे तो वहाँ, हो, में थे, वहाँ हो, होस्टल में रुके थे या होम स्टे में रुके थे सेफ़ लोकेशन है तो हम ट्राई करते हैं वहाँ पर रुक जाएँ और वहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो मज़ा आता है कनेक्शन फील होता है कि वहाँ के बारे में जानने को मिलता है सेकेंड लोके सेकेंड अगर नहीं मिलता तो वी ट्राई टू फाइंड लाइक एयरबीन भी जिसमें टू बी एच के टाइप हो ऐसे अगर हम तीन चार लोग जा रहे हैं साथ में वहाँ रुक जाते हैं ताकि हम खुद का बना सके कुछ ऐसा फिर देन थर्ड ऑप्शन होता है हमारा होटल कभी ऐसा हुआ कि कुछ मिस सपने में हुआ में, 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 मेरे, हाँ मेरे, 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 मेरे साथ है मुझे बहुत बार सपने आए कि किसी ने मेरा चुरा लिया पूरा कैमरा गेयर्स मेरा सब कुछ चला गया मैं क्या करूंगा अब लाइफ में बहुत बार ड्रीम्स में बट एक बार ऐसा होता है मैं अफ्रीका में था इथोपिया में ऐसे गाड़ी में बैठा हूँ तो मैं नहीं सर केनिया में हुआ था मेरे साथ ये केनिया में कंट्री में था मैं ऐसे गाड़ी का शीशा खुला हुआ मैं ऐसे बैठा हूँ सिटी में हम पहुँचे जस्ट एक बंदा आया एकदम से फ़ोन खींचने का ट्राई किया लकीली मेरे हाथ में स्ट्रॉग पकड़ा हुआ तो खींच नहीं पाया वो भागे एकदम से ओके okay, अगर कोई तीन चीज़ ऐसी बतानी हो कि जो बाहर के देश में और अपने देश में आनी चाहिए एक तो साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट जो बाहर के लोगों में है ज़्यादा हमसे Okay. स, हम यहाँ पे रोड्स में कहीं भी जाते हैं लोग ऐसे ही बहुत बार देखा यार गाड़ी से ऐसे ही फेंक देते हैं कचरा वो बाहर वाले लोग कभी नहीं करते हैं। अपने तो वाले जो लोग जाके भी तो नहीं करते हैं क्योंकि हम यहाँ कहीं भी जाते हैं जितनी <laughs> <अपने> भी टूरिस्टिक लोकेशन है इंडिया में सब जगह तो मिलेगी होटल्स कचरा के पैकेट बहुत जगह यार ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी और दूसरी चीज कि हम यहाँ पे जो जैसे मैम मैंने बाहर की चीज़ों बाहर की कंट्रीज़ में नोटिस किया अगर कोई गाड़ी जा रही है और मैं उसके सामने से वॉक करके जा रहा हूँ तो गाड़ी रुक जाएगी स्लो डाउन कितनी लग्जीस हो हाँ हॉर्न नहीं बजाएंगे वहाँ पे mm -hmm. लोग और और तीसरी चीज़ है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ मैंने देखा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता मिल जाता है कुछ कंपेरेटिवली हाँ टैक्स की वजह से या फिर वहाँ पर चीज़ें सस्ती होती है कंपेरेटिवली इंडिया से बाहर तो वो अगर इंडिया में भी आ जाए तो यू नो हमको काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी सो या ये तीन है ओके द लास्ट सेगमेंट वी हैव Uh, मैं अंकित भाई को उनके सोशल मीडिया के कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा <laughs> तो बताना है कि लाइक uh, उसके बारे में जो भी आपकी मेमोरीज रहती है फर्स्ट फोटो इज दिस ओ ये आई थिंक ये मैं फ़र्स्ट टाइम लद्दाख जा रहा था तब मैंने खींची थी तो उस टाइम की एयरपोर्ट की फ़ोटो है ये कि मैं पहली बार ऐसे ट्रिप पे जा रहा हूँ कहीं एक्साइटेड टू टू गो अ न्यू प्लेस एंड नेक्स्ट वन इज दिस आई थिंक पुणे की कहीं एफ रोड की होगी ये हाँ ये आउंद की फ़ोटो है उस टाइम आई थिंक मैं फोटोग्राफी करता था मोस्टली फोटोग्राफी करता था तो कैमरा बैग भी बदल गया अभी कैमरा तो। <laughs> ये हम आई थिंक मैंने उस दिन लेंस लिया था कुछ तो कैमरा खरीदा था मैं ऑन किया था कुछ खरीदने के लिए इसके बारे में कुछ हमें जानना है <laughs> अरे यार <laughs> ये देखो 2016 की है मैंने 2017 में वीडियोस बनाना अच्छे से शुरू किया था उस टाइम हम कुछ भी बनाते थे मैं अपने रूम में साथ ना संडे को हम आज तो कुछ कर करेंगे आज आज कुछ करेंगे आज कुछ करेंगे तो उस टाइम पे हम ऐसे एक्टिंग वाली मैंने बोला था ना मुझे मूवीज़ में जाने का शौक है कुछ ऐसे हमने सोचा कुछ फन में वे में एक्टिंग करते हैं तो ये मत दिखाना का <laughs> ये बताइए <laughs> जैसा वैसा बेस हाँ तो आई थिंक मैंने नई चीज़ सीखी थी कि मैं किसी भी कंट्री में जाऊँगा किसी भी जगह पर जाऊँगा तो ट्राई कि मैं वहाँ का लोकल कुछ पहन सकूँ तो जब मैं कश्मीर जा रहा था ये फ़र्स्ट टाइम की बात है जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी लाइफ में फिर मेरे माइंड में एक सीन था कि मेरे माइंड में था कि मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है कश्मीर के ऊपर दो मिनट तीन मिनट की कि मैं ड्रीम ले रहा हूँ लाइक मैं हमेशा से मेरा ड्रीम था कश्मीर जाने का और मैं वहाँ पर ड्रीम में हूँ तो मैं फ़र्स्ट सीन था मेरी फिल्म का कि मैं वहाँ के लोकल फैरन में वॉक कर रहा हूँ और वहाँ से ओपनिंग होंगी मेरे सीन की तो ये वो वो सीन के लिए मैंने खरीदा था कि मैं लोकल कुछ ट्राई करूँ एंड देन लाइक विल टेक द शॉर्ट्स इन दिस ओके एंड थैंक यू सो मच अंकित भाई फॉर योर लाइक टाइम और इससे important आपका experience बहुत मज़ा आया मुझे बहुत मज़ा आया <laughs> I think मेरा this is my first podcast मैंने इससे पहले कभी किया नहीं मैं हमेशा लोग पूछते थे मुझे लगता था अभी नहीं करना अभी नहीं करना आई थिंक इट्स हाई टाइम मेरे को भी मेरा बहुत मन था फिर आई फेल्ट comfortable बिकॉज मैं तुमको काफ़ी टाइम से जानता हूँ तो इसलिए आई इस, आई केम जब तुमने बोला तो मैंने मना मना नहीं किया <laughs> तुमने बड़े सुप्रिया, प्यार से सुप्रिया, पूछा आई होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपने कई चीज़ें नई सुनी होगी सीखी होगी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई जस्ट वॉन्ट कि आप मेरी एक हेल्प करो कि आप आने वाले एपिसोड में किसको देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम उनसे कांटेक्ट करें एंड उनको आपके लिए यहाँ पे लेके आए तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद लॉट्स ऑफ गुड एनर्जी धन्यवाद